Hare Krishna. So I welcome all of you for today's session. Let's begin with our Mangalacharan prayers. Om Gyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालं पंकुं लंघायते ग्रीवं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम हरे कृष्णा सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज सेशन ऑन भगवद गीता सो लेट्स बिगिन विद आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने पिछले सेशन में जो भी कराया उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसके बाद आगे वी विल गो अहेड ओके तो 14वां नंबर 15वां नंबर आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज शुरू होने वाली है ऑन लॉ ऑफ कर्मा तो दिल थाम के बैठे रहिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में पहली बार खुले दिल से कर्मों के ही विल बी टेलिंग अबाउट लॉ ऑफ कर्मा इन डिटेल तो 16 टू 24 इज अ सेक्शन वेयर कृष्णा इज पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली टेलिंग अबाउट हाउ कर्मा एक्ट्स इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ वी हैव टू गेट रिड हमें किस प्रकार से कर्मों के फलों से ऊपर आना है ये भगवान इस सेक्शन में बताएंगे तो 14वां नंबर श्लोक हमने देखा कृष्णा सेज नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर् न सम्बध्यते तो भगवान कृष्ण 14वें नंबर श्लोक में बताया उन्होंने कि देखिए भगवान कृष्ण इस जगत में क्यों नहीं बधते व्हाई ही डज नॉट बिकम बाउंड इन द रिएक्शंस ऑफ वर्क व्हाई तो ही सेज टू थिंग्स देयर इज नो वर्क दैट कंटामिनेट्स मी कोई भी कार्य उनको क्या करता है देयर इज नो वर्क दैट कंटामिनेट्स हिम हमारे हमारे लिए हम जैसे नॉर्मल व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य हम करते हैं तो जनरली हम कर्मों के अंदर फंस जाते हैं बट भगवान कभी फंसते नहीं है क्यों नहीं फंसते बिकॉज आई डू नॉट एस्पायर फॉर कर्मफल मैं कभी भी कार्य करता हूँ मैं कर्म फलों के लिए कार्य नहीं करता हूँ जस्ट फॉर डूइंग माई ड्यूटी आई डू माई वर्क तो बेसिकली यहां पर अगर अच्छी तरह से हम देखने जाए व्हाट इट हाउ डज इट मैटर फॉर अस हमें इसमें सीखने के लिए क्या है तो लेट्स गो अहेड विद आवर न्यू यस तो 14वां नंबर श्लोक अगेन वी आर क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था 14वां नंबर श्लोक बट लिटिल मोर थिंग्स इन डिटेल तो 4.14 इन मोर डिटेल तो बेसिकली इट सेज दैट नॉलेज ऑफ कृष्णास पोजीशन
protects us from karmic subjugation. अगर भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान ले तो हमें if we are able to know Krishna also, then we will not get bound. हमें कर्म फलों से मुक्ति मिल जाएगी. तो कृष्ण को जानना कितना जरूरी है. तो 4.9 and 4.14 अगर आप अभी खोल के देखेंगे तो समझ में आएगा, both are little bit similar. 4.9 में भगवान ने बताया कि जन्म कर्म च दिव्यम. अगर कोई भगवान के जन्म और कर्म को कोई जान ले और उसकी दिव्यता को तत्वतः जानता है इन डिटेल, देन ही विल नॉट गेट बाउंड इन दिस वर्ल्ड. उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता. एंड 14 ऑल्सो कृष्णा इज टेलिंग कि अगर 14 में भगवान क्या बता रहे हैं, अगर मेरे ये अगर कोई जान ले कि नॉलेज ऑफ कृष्णास पोजिशन, वट इज कृष्णास पोजिशन, हाउ Krishna doesn't get bound to karma. अगर भगवान की इस पोजिशन को भी कोई जान लेता है तो उसको कभी क्या होगा, he will also not get bound. तो दिस इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ फल श्रुति. भगवान ने एक तरह से फलश्रुति दी है, तो इट इज समथिंग डिफिकल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ, राइट. तो भगवान की दिव्यता को जानने से हमें भी नहीं होता है. तो बेसिकली वी विल नॉट गेट बाउंड. हाउ? तो बिफोर एक्शन एंड आफ्टर, बिफोर एनी वर्क एंड आफ्टर एनी वर्क इज डन, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड. हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए किसी भी कार्य को करते हैं, हम भक्ति में बढ़ने की कोशिश करें, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए. तो बिफोर वर्क इज बिगन व्हाट वी हैव टू डू, देयर शुड बी नो मटेरियल डिजायर. मेटीरियल डिजायर टू एंजॉय फ्रूट्स, फलों को भोगने के लिए कभी भी हमारा कर्म शुरू करने के पहले ही, यानी कि कर्म शुरू करने के पहले ही फिक्स हो जाता है कि हम कर्मों में बंधने वाले हैं कि नहीं. और दूसरा चीज, आफ्टर वर्क इज डन, आफ्टर व्हेन वी आर व्हेन आवर वर्क, बिफोर वर्क स्टार्ट्स एंड आफ्टर वर्क इज डन, व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर वर्क, वी शुड नॉट बी लुकिंग आफ्टर एंजॉयमेंट. That will to not look after enjoyment. अरे कर्म करने के बाद भोग क्या मिलने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, इसके लिए कभी भी चिंता मत कीजिए. After the work. तो कर्म हमें कैसे करना है, बेसिकली भगवान कृष्ण यहाँ पर एक डिटैच प्लेटफॉर्म में कार्य करने के लिए बोल रहे हैं. ऑन डिटैच प्लेटफॉर्म, नॉट एस्पायरिंग फॉर फ्रूट्स, फलों के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य बुद्धि पे अगर कोई कार्य करे देन ही विल नॉट गेट बाउंड. बट द हाईएस्ट थिंग इज, देखिए इतना सब कुछ तोलमोल झोलमोल करके एक्चुअली द कंक्लूजन ऑफ भगवदगीता इज व्हाट, भगवदगीता का कंक्लूजन यही है कि हमें कार्य, अगर ये सब अगर आपके दिमाग में नहीं भी रहे कि अरे भाई कार्य करने के पहले मुझे क्या सोचना चाहिए, कार्य करने के बाद क्या सोचना है, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट कीप दिस इन माइंड कि वी शुड डू आवर वर्क टू प्लीज कृष्णा, भगवान को संतुष्ट करने के लिए अगर हम कार्य करते हैं देन देर विल बी नो कार्मिक रिएक्शन. इवन देर इज सक्सेस आएगा तो हम क्या बोलेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. तो अगर सक्सेस मिलेगा तो भगवान को क्रेडिट देंगे, और अगर फेलियर आएगा तो भगवान को क्रेडिट नहीं देगा, अरे भगवान तुम्हारी वजह से मैं फेल हुआ. अगर फेलियर होता है तो भगवान का भक्त ये सोचता है इसमें आई हैड अ फॉल्ट, मैंने शायद पूरा एंडेवर नहीं लगाया, तो मेरी वजह से हुआ है, एंड ही डजंट गेट टू मच अफेक्टेड बाय इट. एंड सक्सेस में बह भी नहीं जाएगा, ही विल नॉट गेट स्वेड अवे कि सक्सेस आ गया, आ रहे लड्डू पेड़े बांटने में पूरा मोहल्ला और गली और सब जगह लड्डू पेड़े बांट रहे हैं, अपना स्टेटस में डाल रहे हैं, फेसबुक प्रोफाइल में डाल रहे हैं, देखो मैं आईआईटी क्रैक कर दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया. तो बेसिकली इफ वी आर थिंकिंग दैट आवर लाइफ इज शुड बी एंटायरली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण और गुरु श्री गुरु की संतुष्टि के लिए अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, देन अगर हमारे कार्य में फेलियर भी आए देन ऑल्सो देर इज नो प्रॉब्लम, हमने अपने लिए नहीं किया भगवान के लिए किया. तो ये हमें देखने को समझ में आएगा. तो नॉलेज ऑफ कृष्णास पोजिशन बेसिकली इन दिस सेक्शन 14 नंबर वर्स, इट मेंट दैट अगर कृष्ण को अगर कोई जान लेता है, नॉलेज ऑफ कृष्णास पोजिशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, नॉलेज ऑफ कृष्णास पोजिशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम
कार्मिक बॉन्डेज। भगवान को अगर किसी ने जान लिया तो कर्मों के चक्कर में नहीं फंसने वाला वो, ये हमें समझना है, ठीक है। तो भगवान भले ही जगत में कार्य, अब तो भगवान कार्य क्यों करते हैं, हमने पिछले क्लास में बताया कि भगवान यादव बन के भी आते हैं, ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ, अगर जब जब व्रज में थे तो वो यदुकुल में यादव की तरह कार्य कर रहे थे, और जब मथुरा में आए तो मथुरा में आके क्षत्रिय की तरह कार्य कर रहे हैं। तो भगवान या तो यादव है वैश्य है या तो क्षत्रिय है, अरे है क्या वो सर, वो कुछ भी नहीं है, बेसिकली ही इज अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग, ही जस्ट डज हिज ड्यूटी टू सेट एन एग्जाम्पल, जस्ट डज हिज ड्यूटी टू सेट एग्जाम्पल फॉर अस, हम लोगों के लिए वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ यही एकमात्र उनका कार्य है। और दूसरा जो दूसरा प्रमुख कारण है, व्हाई ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, व्हाई ही इज कॉजिंग क्रिएशन, संसार की सृष्टि क्यों कर रहे हैं, मेंटेनेंस क्यों कर रहे हैं, वो इस संसार को मेंटेन क्यों कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं इस जगत को, इस वर्ल्ड को क्रिएशन मेंटेनेंस डिस्ट्रॉय करने के पीछे कार्य क्या है उनका, व्हाई ही इज डूइंग इट, बिकॉज ही लव्स अस, हम जीवों के प्रति भगवान की करुणा है, प्रेम के कारण वो इस जगत में कोई कार्य कर रहे हैं और कोई कार्य नहीं है उनको, नहीं ऐसा नहीं है कि न मैं कर्म, इसीलिए श्लोक में देखिए व्हाई कृष्णा इज टेलिंग नमम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कार्य करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ कार्य, ताकि इस संसार में जीवों का कल्याण हो सके, उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, मेरी तरफ लोग घूमकर आए, तो ही डजंट हैव एनी डिजायर्स। तो कर्म करने के पहले हमने बताया ही डजंट हैव एनी डिजायर, डजंट हैव डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, डिजायर्स फॉर एंजॉयमेंट एंड नाइदर आफ्टर वर्क इज कंप्लीट, बिफोर वर्क एंड आफ्टर वर्क ही डजंट वॉन्ट टू enjoy the result, he is just detached, he doesn't want to enjoy. तो ये दो फॉर्मूला हमारे लिए भी जरूरी होता है, हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं हमें भी यही चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। तो दिस इज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम 14th वाला, तो वर्क विदाउट अटैचमेंट, 14 में भगवान ने यही बताया कि we have to work without attachment. कर्म करना है, कर्म करने का कौशल सीखना है इस जगत में, ऐसे कार्य करना है कि कर्म ही करें और फंसे भी नहीं इस जगत में, फंसते हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हम कर्मों के बाद भोग करना चाहते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए, किसी को देना नहीं चाहते, भगवान को तो और भी देना नहीं चाहते, तो दिस इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरा, लॉर्ड इज नॉट पार्शियल, भगवान किसी के भी साथ पार्शियल नहीं है, ही लिविंग एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट, हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान उसमें एक रत्ती भर भी भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मेरा कर्म किया तो भगवान थोड़ी ना इन्वॉल्व होंगे, मैं कर रहा हूँ अपने भोग की इच्छा के लिए तो मैं फंसने वाला हूँ, भगवान थोड़ी ना फंसेंगे, भगवान सिर्फ हमें फैसिलिटी देते हैं, ही जस्ट गिव्स अस फैसिलिटी थ्रू द एजेंसी ऑफ मटेरियल नेचर, ये 5th चैप्टर में और भी आपको क्लियर होने वाला है किस प्रकार से भगवान फैसिलिटी देते हैं। तो जैसे भगवान किस प्रकार से पार्शियल इम्पार्शियल है, वो हर जगह पानी, जैसे एक बारिश होती है हर बीजों पर पानी देते हैं, लेकिन फल कैसा होने वाला है, अरे एक आपने सुना होगा कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए, सुना ये, तो बोया बीज बबूल का आम कहां से होगा, अरे हम अगर बबूल का बीज डालेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे आम होगा, हो सकता है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने वैसा बीज बोया है, तो हमने अगर पाप किए हैं और हमने या फिर भोग करने की इच्छा की है तो हम ही भुगतने वाले हैं, तो जिस प्रकार का हम बीज बोएंगे उस प्रकार के फल मिलेंगे हमें, जिस प्रकार का बीज बोएंगे दैट वर्ड, तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सीड विच वी वॉन्ट टू, तो द लॉर्ड जस्ट इंस्पायर्स द जीवास टू एक्ट but they act differently according to their past desires. हम लोग ही काले कलूटे दिल वाले हैं कि अपना पिछले कर्मों पिछले जन्मों के भोग वृत्ति को लाकर फंस जाते हैं, तो we should be free from this kind of all kind of desires. हमने example दिया एक सुप्रीम कोर्ट के जज का कि एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, एक व्यक्ति को रिहा कर दे रहे हैं, तो इसमें जज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है, जज इज जस्ट न्यूट्रल, इसीलिए भगवान भी न्यूट्रल है, वो तो हमारे कर्मों में उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ही इज जस्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल, 14वें नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं मुझसे सीखो। तो एक और चीज जो हमने ये बताया कि देखिए एक्चुअली इस संसार में फंसने जगत में फंसने का एक कारण ये भी है, बिकॉज इफ वी आर नॉट सेल्फिश selfish for fruits of our action, what will happen? हमें कभी भी मोह नहीं पड़ने वाला, we will not get illusion. And when we are not in illusion, there will be no bondage. Everything happens because we are all selfish.
सेल्फिश टुवर्ड्स फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शन. हम खुद के लिए करना चाहते, कभी भगवान को समर्पित करके कोई कार्य नहीं करना चाहते. तो दिस इज व्हाई वी गेट बाउंड. यस. तो देखिए, जैसे यहाँ पर इसीलिए हमने दो एग्जांपल दिया. एक एग्जांपल ये है कि देखिए, एक जैसे चोर है, अ थीफ. व्हाट अ थीफ इज डूइंग, ही इज पुटिंग अ नाइफ इन समवन स्टमक एंड ही इज गेटिंग, ही इज पुट इन टू जेल. उसको जेल में डाला गया. और एक और डॉक्टर भी है, सर्जन है, वो भी नाइफ डाल रहा है किसी के पेट में, छुरा डाल रहा है. लेकिन उसको क्या मिल रहा है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है. ही गेट्स रिवॉर्डेड, धनराशि उसको मिल रही है. तो यहाँ पर व्हाट इट मैटर्स, तो एक बिकॉज व्हाट इज द पोजिशन ऑफ दैट पर्सन, कौन कार्य कर रहा है हमें ये समझना पड़ेगा. व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द पर्सन. तो अगर यहां पर इस उदाहरण को देखें, व्हाट इज द पोजिशन, एक तरफ चोर है, एक तरफ सर्जन है. तो पोजिशन क्या है, चोर तो खराब इंटेंशन से आया है, बट जो डॉक्टर है ही इज यूजिंग एवरीथिंग फॉर हीलिंग, वो तो भला करना चाहता है. तो इसी प्रकार से अगर हम देखें भगवान कृष्ण का भी अगर कोई पोजिशन देख पाए, 14th और 15th में भगवान यही बता रहे हैं कि अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ कृष्णा. कृष्ण को कोई सामान्य व्यक्ति मत समझिए. मैक्सिमम लोग, हम लोग इधर उधर की नॉवल पढ़ के भगवान कृष्ण के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं. अरे कृष्ण किस प्रकार के चरित्रहीन व्यक्ति हैं, कृष्ण ने दो बाटियों में युद्ध लगवाया, ये करवाया, वो करवाया. अरे वो लोगों को पता ही नहीं भगवान कृष्ण कौन है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ कृष्ण. तो इसी की वजह से पोजिशन ऑफ कृष्ण इज दैट ही इज बियॉन्ड द मोड्स. इस जगत में किसी भी गुण के अंदर अधीन नहीं है, ही इज ट्रांसेंडेंटल, गुणातीत है वो. तो बिकॉज ही इज ट्रांसेंडेंटल, दैट्स व्हाई अगर ये अगर कोई जान ले, 14 नंबर 15 हमने ये बताया ना, 14th में इफ समवन नोस, 14th इफ समवन नोस दैट कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल देन ही विल नॉट गेट बाउंड. तो पोजीशन ऑफ कृष्ण अगर कोई जान लेता है, ही विल नॉट गेट बॉन्डेज, ही विल नॉट बी बाउंडेड. दैट्स व्हाई यही हमारे, इसलिए भगवान के बारे में सुनना जानना हमें शुद्ध करता है. ये जान के रखिए भगवान कृष्ण किस प्रकार से इस जगत में कार्य कर रहे हैं, हमें, हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये जगत बनाया ताकि हम लोग फिर से उनके पास जा सके. एंड ही जस्ट डज हिज ड्यूटी टू सेट एन एग्जांपल फॉर द होल वर्ल्ड. ये जान के रखिए. तो 14th में हम 14 15 में ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, दैट्स व्हाई वी वांटेड टू शेयर. तो 15 नंबर, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रूथ अबाउट मी, पहले पिछले के जीवन ऐसे भगवान बता रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेर अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वेर पूर्वतरं कृतम्. प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपना कर्तव्य का पालन करो. प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे लोग हुए अर्जुन, डोंट थिंक दैट ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हुए. जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आज एक एक कॉमन एक कॉमन आज के दिनों का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. सो आज अगर कोई वैक्सीन लेना चाहता है, हर दिन 20-20 लाख लोग इंडिया में लोग वैक्सीन ले रहे हैं, ठीक है. अभी वैक्सीन सब लेना चाहते हैं, लेकिन बोल अभी कोई गिनी पिग बनना चाहेगा क्या, अरे पहला वैक्सीन मुझे दो, प्लीज गिव मी फर्स्ट वैक्सीन, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट, कैसा है क्या है. कोई भी पहला चीज खुद से टेस्ट नहीं करना चाहता है, खुद कभी गिनी पिग कोई बनना नहीं चाहता. तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, अरे प्रधानमंत्री साहब वैक्सीन ले रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग वैक्सीन ले रहे हैं, डॉक्टर लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो हमें भी लेना चाहिए. तो ऑफकोर्स उस वैक्सीन पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल की वैक्सीन हम लोगों को पता नहीं है. बट मैं यहाँ पर पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग कुछ चीज ट्राई करने जा रहे होते हैं, उसके पहले हम देखते हैं कि किसने किसने पहले ट्राई कर लिया, राइट. कौन कौन है जो पहले लाइन में खड़े थे, जिनका पहले हो गया. अच्छा आपको कैसा लगा, हम पूछते हैं, हाउ डिड यू फील, यस इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस. अच्छा आपको कैसा लगा. तो जब सबसे सम्मति मिलती है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर समझना है कि सिमिलरली कृष्णा इज ऑल्सो गिविंग एग्जाम्पल. पूर्व काल में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो मेरा स्मरण करके उन्हें कभी भी सारे चीजों से दे हैव गॉट दे गॉट गेट रीड ऑफ ऑल देयर कर्म. तो इस तरह से कुरु कर्मैव, सर्टेनली डू योर वर्क, अपना कार्य करो. देखिए इसलिए भगवान बोल रहे हैं, देखिए उन्होंने कार्य किया और कार्य करते करते वो क्या किए, बिना विदाउट डिजायर, बिना किसी इच्छा से उन्होंने कार्य किया, और साथ ही साथ दे बिकेम लिबरेटेड ऑल्सो, मुक्ति भी मिली उनको. इसीलिए यू ऑल्सो अर्जुन डू योर वर्क. भगवान बार बार यही बता रहे हैं, युद्ध करो, फाइट, बट हाउ यू शुड फाइट,
not with a desire, not with a desire for kingdom. ये जो विद वाला जो साइन है, हम लोग डॉक्टर मेडिकल में इस तरह से विद लिखते हैं, तो मे बी आप लोगों को पता नहीं होगा कि इस तरह से विद, तो वेन एवर आई एम राइटिंग इट, दिस इज विद, ठीक है, और अगर सी के नीचे कुछ लिख रहा हूँ दैट इज विच, तो ये नॉन मेडिकल लोग ज्यादा जानते नहीं है, तो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म. तो बेसिकली वट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइट बट नॉट विद अ डिजायर. अर्जुन को उन्होंने वही बोला कि भोग करने की इच्छा से मत लड़ो, किसकी इच्छा से करो, जस्ट फॉर डूइंग योर ड्यूटी टू प्लीज मी, इस प्रकार से युद्ध करो, तो टू प्लीज मी, राइट. तो 14th और 15th इस प्रकार से हमने फिनिश किया. तो नेक्स्ट सेक्शन इज कमिंग. तो अब आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन शुरू होने वाला है, 16th श्लोका ऑनवर्ड्स. तो अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान. तो लेट्स बिगिन द लास्ट सेक्शन. दिस सेक्शन इज रिमूविंग रिएक्शन. कर्मों के फलों से निकले कैसे हम यहाँ पे जाना चाहते हैं. आज हम कुछ केस स्टडीज लेने वाले हैं, किस प्रकार से पहले कुछ ऐसे लोग हुए हैं उनके जीवन को देखकर. तो दिस इज द सेक्शन विच वी आर बिगिनिंग टुडे, रिमूविंग रिएक्शंस वर्स 16-24 भगवद गीता चैप्टर 4. सो लेट्स बिगिन. तो हमने पहले देखा तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने क्या बताया था. ये क्यों मैं बता रहा हूं, भगवान कृष्ण कर्म के बारे में, कर्म योगा के बारे में बता रहे थे. थर्ड चैप्टर इज कर्मयोगा. बताते 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 3.36 ऑनवर्ड्स भगवान कृष्ण घूम गए. घूम गए कैसे, तो इस फ्लो में जाने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि वो भगवान कृष्ण डाइवर्ट हो गए. तो 3.36 to 4.15 वो डाइवर्टेड ही थे. तो फिर से वो ट्रैक में आते हैं आफ्टर 4.16. तो 4.16 ऑनवर्ड्स He resumes his discussion on karma. जो पहले जो बता रहे थे उसी को फिर से he will resume his description. तो थर्ड चैप्टर में ये सारी चीजें हुई, और इस चैप्टर में भगवान दिव्य ज्ञान बताने वाले हैं कि अगर कोई भगवान के बारे में जानता है, if someone knows about divine knowledge of Krishna, then one can be protected from lust. काम से मुक्त हो सकते हैं हम, selfishness से मुक्त हो सकते हैं. तो हमारे जीवन में यही प्रॉब्लम है कि वी आर ट्राइंग टू एंजॉय अवर फ्रूट्स ऑफ रिएक्शन. हम फलों से इतना आसक्त हैं, वस्तुओं से इतना आसक्त हैं, व्यक्तियों से इतना आसक्त हैं, भोग की चीजों से इतना आसक्त हैं, इससे हम निकल नहीं पाते. तो इस चैप्टर का लिंक क्या है, इन द प्रीवियस चैप्टर्स कृष्णा डिस्क्राइब निष्काम कर्म विच इज द मीन्स ऑफ अटेनिंग ज्ञान. तो निष्काम कर्म करने से, जब भी हम कोई निष्काम कर्म कर रहे हैं, इसके बदले फ्रूट क्या मिल रहा है हमें, फ्रूट वही मिलेगा क्या, ज्ञान. आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी. तो दिस इज दैट्स व्हाई इस चैप्टर का हमने नाम क्या बताया, सेल्फलेसनेस लीड्स टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. पिछला चैप्टर का नाम क्या था, फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस. थर्ड चैप्टर निष्काम कर्मयोग. इस चैप्टर में बता रहे हैं सेल्फलेसनेस रहने से भी कुछ ना कुछ मिलता है हमें, क्या मिलता है, दिव्य ज्ञान, भगवान के बारे में जानने को मिलता है. तो लेट्स बिगिन विद आवर श्लोका नंबर 16. तो किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा मोक्षशेय शुभात्. तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं इवन द इंटेलिजेंट, ज्ञानवान लोग भी डिटर समझ नहीं पाते कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये समझ नहीं पाते. आज हम तीन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कर्म अकर्म विकर्म. मैक्सिमम जब भी हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं सब दिमाग खराब हो जाता है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, सब एक ही जैसा लगता है. तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भाई आप लोग तो छोड़ दीजिए, इवन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वेदों का सार जो जानते हैं, उन लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली कर्म क्या है और क्या अकर्म है. किम कर्म किम अकर्मेति. तो अभी कृष्ण बताने वाले हैं, नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्शन इज विद विच यू शैल बी लिबरेटेड फ्रॉम रिएक्शन. ये जानकर तुम कर्मों के फलों से मुक्त हो जाओगे. तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वन हैज टू फॉलो द लीडरशिप ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन. हमें पहले देखना पड़ता है कि इससे पहले कोई ऐसे भक्त हुए हैं, जैसे कोई उन्होंने ऐसा कार्य किया हो जो भगवत भक्ति के डिसाइपलिक सक्सेशन में रहे हैं, गुरु परंपरा में रहे हैं. तो गुरु परंपरा भगवान ने पहले ही बता दी इस चैप्टर में. अदरवाइज अगर गुरु परंपरा में ये ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं कोई,
तो इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन विल बी बिविल्डर्ड. अगर हम खुद भगवदगीता आज पकड़ के निकाल के खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं मैं संस्कृत का पंडित बन गया हूँ मैं भगवदगीता पढ़ूंगा, तो बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग भी मतलब हालत खराब हो जाएगी, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला. ठीक है, तो इन द लास्ट लाइन प्रभुपाद सेज दैट ओनली एक्शन परफॉर्म्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति मूलक कार्य जो भी हम करते हैं वही एक व्यक्ति को इस कर्म के बंधनों से मुक्त कर सकती है. तो हमारे लिए इससे पहले बहुत सारे रोल मॉडल्स हुए हैं, 15 नंबर श्लोक में बोला ना, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, नारद मुनि, शिव जी, मनु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, यमराज, जनक, बलि महाराज, इन सबको देख के हम सीख सकते हैं कि ये लोग कर्मों के बंधनों से मुक्त हुए हैं तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते. सिर्फ भक्ति एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं. तो इवन द वाइस बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्मों के फलों से निकलने के लिए समझ नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है. तो अगर तुम ये जान लोगे तो तुम्हारे जीवन में जितने भी अशुभात है, वट एवर टाइप्स ऑफ मिसफॉर्चून इज देयर, सबसे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी. देखिए ये जो श्लोक है अशुभात, अशुभात जो शब्द आएगा इवन 9th चैप्टर में भी ये शब्द ये आता है, ये जानकर तुम्हारे जीवन में जितने भी अशुभ चीजें हैं सबसे मुक्ति मिल जाएंगी. तो इन 9th चैप्टर कृष्णा सेस इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात. मैं तुम्हें भक्ति का ज्ञान देने वाला हूं अर्जुन, ये जानकर तुम मोक्षसे अशुभात, तुम्हारे जीवन में विच एवर इनऑस्पिशियस थिंग्स आर देयर विद दैट यू विल बिकम लिबरेटेड. तो देखिए 16 में भी भगवान ने बताया यद ज्ञात्वा, 4.60 में बता रहे हैं, 9.1 में सेम चीज बता रहे हैं, ये जानकर तुम कर्मों के फलों अशुभात, एक्चुअली क्या है, व्हाट इज दैट इनऑस्पिशियसनेस, अशुभ चीजें हैं क्या इस जगत में. इस जगत में अशुभ चीजें यही हैं, हमारी अज्ञानता, आवर इग्नोरेंस ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, आवर इग्नोरेंस ऑफ कृष्ण, कृष्ण के बारे में सही ज्ञान नहीं जब होता है हमारे पास, दैट इज आवर इनऑस्पिशियसनेस. तो जैसे एक उदाहरण दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति है बीमार पड़ा हुआ है, तो बीमार व्यक्ति उसको पता है कि मैं बीमार हूं, लेकिन He wants to get rid of that disease. वो disease से निकलना चाहता है, उसके जीवन में अशुभ चीज है, वो उससे उस sickness से निकलना चाहता है, बट उसको पता नहीं उसको कौन सा मेडिसिन लेना है, क्या मेडिसिन लेगा जो जिससे उसको ठीक हो जाए, कौन सा एलोपैथी लेना है, होम्योपैथी लेना है, नेचुरोपैथी लेना है, सिंपैथी लेना है, कौन सा पैथी लेना है पता नहीं. तो अगर वो सही मेडिसिन नहीं लेगा तो मर भी सकता है. तो जब उसको पता चलेगा कि कौन सा चीज उसके लिए क्योर है, वट इज दैट बेस्ट थिंग विच विल एक्ट फॉर हिम, then he can understand that is most auspicious thing, ये मेरे लिए सबसे शुभ चीज है. तो यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं, देखो अगर तुम ये जो चीज जान लोगे तब तुम्हारे जीवन में शुभ ही शुभ आने वाला है. भक्ति का ज्ञान is the most auspicious thing. भगवान कृष्ण की भक्ति किसी के जीवन, हमारे पापी जी लोगों के जीवन में सबसे चीज तो ये है, भगवान कृष्ण जब हमारे जीवन में एंट्री करते हैं दैट इज द मोस्ट auspicious थिंग. तो भगवान एक्चुअली 16th में इंट्रोडक्शन फिट कर रहे हैं, देखो अर्जुन मैं तुमको कुछ कुछ खास बताने वाला हूँ. What is that खास? इसमें कुछ खास चीज है जो मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में शुभ शुभ मतलब auspiciousness लेके आने वाला है. तो 17 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कर्मणोऽपि बोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो ह्य अपि बोधव्यम्. देखिए इस श्लोक में अगर देखेंगे थोड़ा एक ही टाइप का, अगर दिस लाइन The first line is considered A, B, second line is considered B, right? And third is called C, and fourth is D. तो यहाँ पर देखिए भगवद गीता में ऐसा सुंदर ये श्लोक है. It is like a poetic structure. कर्मणो ह्य अपि बोधव्यम्, बोधव्यम् च विकर्मणः. तो almost similar लग रहा है ना, कर्मणो बोधव्यम् बोधव्यम्, लेकिन थोड़ा different है विकर्मणः. तो भगवद गीता is also like a literally masterpiece. जैसे कोई अगर उदाहरण दे, जॉन एफ कैनेडी ने एक चीज कही थी, आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन. सुना है कितने लोगों ने ये चीज, आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन. यस, तो ये भी एक तरह से अगर आप लाइन बिठाएंगे तो एक तरह से ये अलंकार है ना. हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं, हम उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ये सब अलंकार पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार. भगवद गीता इज ऑल्सो मास्टर पीस ऑफ कृष्णास लाइक पोएट्री. दिस इज भगवद गीत, भगवान ने भी पोएट्री लिखा है भाई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स
लोग पोएट्री को भूल जाते हैं, भगवान की पोएट्री ये कम है, वो लोग फिलोसफी ज्यादा समझते हैं, बट दिस इज अ पोएटिकल मास्टरपीस। भगवान फिलोसफी बोल रहे हैं, पोएट्री के साथ बोल रहे हैं। जैसे कोई अगर उदाहरण दे, अ डिवोटी लिव्स इन वृंदावन एंड वृंदावन लिव्स इन द डिवोटी, इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी, राइट। तो ये भी एक तरह से ऐसे चीजों को बोला जाता है इंग्लिश में कायस्मस, CHIASMAS, तो कायस्मा। तो यानी कि आगे पीछे अगर देखेंगे तो एक ही तरह का कर्मणा हुई अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, एक ही तरह का लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है सुनने में। तो इट इज नॉट ओनली अ रिलीजियस बुक बट इट इज ऑल्सो अ पोएटिकल मास्टरपीस, दैट्स व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण की कविता है ये, दिस इज। तो बेसिकली यहाँ पर इसमें श्लोक में क्या बता रहे हैं, देखिए इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन, कर्मों का जो गूढ़ तत्व है बहुत ही डिफिकल्ट है इस जगत में समझना, बहुत डिफिकल्ट है। देयरफॉर वन शुड नो प्रॉपरली व्हाट एक्शन इज, इसीलिए लोगों को समझना चाहिए व्हाट एक्शन इज, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, व्हाट फॉरबिडन एक्शन इज एंड व्हाट इन एक्शन इज। हम आज तीन प्रकार के कर्मों के बारे में जानेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज जितने लोग भगवद गीता सिंप्लीफाइड सेशन में है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ऑफ भगवद गीता आप लोगों ने नहीं किया है, पिछला वाला सेशन, पिछले हमने स्टार्टिंग में जब जुलाई महीने में स्टार्ट किया था, बहुत लोग बाद में जो ज्वाइन किए थे उन लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, आई विल शेयर यू द लिंक सेपरेटली ऑल्सो। वहां पर हमने जिस प्रकार से लॉ ऑफ कर्म बताया था, आज इस बार हम लोग पूरा डिफरेंट तरीके से बताने वाले हैं। तो दैट वॉज इंट्रोडक्टरी सेशन, बट जिन्होंने वो नहीं किया है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि अगर नहीं किया है आई विल शेयर यू दैट लिंक अगेन, उसको भी जान के रखिए। तो आज का मतलब देखिए आज कैसे शुरू, हाउ डज इट हैपन, कृष्णा इज टेलिंग कर्म को समझना है तो आसान नहीं, राइट। तो he is intelligent among them, he is in transcendental position, although to 17 or 18, to 18th wale shlok mein bhagwan batate hain, aisa vyakti, one who sees inaction in action and action in inaction, kya bol raha hai, one who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, buddhiman vyakti hai wo, he is in transcendental position, wo divya position mein hai, although engaged in all sorts of actions, कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 18वां नंबर श्लोक, कि इस जगत में जो कर्मों में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वही इस जगत में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो लेट्स बिगिन ऑल्सो, भगवान इतने गूढ़ चीजों को बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे बेसिकली। तो इस सेक्शन में भगवान उस तत्व के बारे में बताते हैं, हमारा एक बांग्ला कथा सुनी थी, धोरी माछ की धोरी माछ नाछुई पानी। ऑफ कोर्स हमारा अगर ऑफलाइन क्लास होता तो मैं सबसे पूछ रहा होता है एक चीज, आप बताइए बताइए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाते उस हिसाब से। धोरी माछ नाछुई पानी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, हम लोग सुनते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। पानी में रहना है लेकिन पानी के ऊपर होके रहना है, जौले था गो कि जौले भिजबो ना। तो ये किसका एग्जाम्पल, ये कौन सा पत्ता है आपको दिख रहा है, विच लीफ इज दिस, कि ये पानी में है जरूर लेकिन पानी से मैं डूब नहीं रहे, कौन सा पत्ता है, लोटस, ओके लोटस लोटस, यस थैंक यू सुदेशना माता जी, पूजा माता जी, सिद्धि माता जी, एलोवेरा प्रभु नाम डूबा ठीक है, एलोवेरा पता है, शर्मिष्ठा माता जी लोटस, यस तो लोटस का पत्ता है, ठीक है। तो लोटस क्वालिटी है, पानी के ऊपर रहता है लेकिन कभी भी पानी में डूबता नहीं, पानी के पत्ते उसके ऊपर पानी गिरता जरूर है लेकिन इट ऑलवेज रिमेन्स। देखिए क्या कमल से भी हम क्यों, कमल से क्या सीख सकते हैं, कमल भगवान की हर चीज की उपमा दी गई है कमल के समान, कमल नयन, कमल चरण, चरण कमल, या फिर उनके हस्त कमल, उनके मुख कमल, उनके मतलब हर चीज, उनकी नाभि भी कमल के समान है, उनकी नासिका कमल के समान है, उनके होठ कमल के समान है, उनके हर अंग कमल के समान है, कमल के साथ बहुत उपमा दी जाती है। आज अगर अब कलयुग के अगर लोग रहते तो शायद गुलाब के साथ देते हैं भगवान का लोटस, लोटस नहीं इट्स अ रोज, रोज फेस रोज, ये क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्यूटी मतलब रोज ही समझते हैं, बट पहले के जमाने में अगर देखेंगे वैदिक कल, ये लोटस वोटस तो अभी आया, मतलब पता नहीं लोटस का पहले ज्यादा भाव नहीं देते थे लोग, वो पैशनेट फ्लावर है शायद, मोड ऑफ गुडनेस वाला फ्लावर लोटस है आई थिंक। तो लक्ष्मी देवी हमेशा हाथ में कमल रखती है, राधा रानी के हाथ में कमल रहता है टू ऑफर टू कृष्णा, लोटस रिजेंबल्स एक्चुअली श्री लक्ष्मी देवी, इसीलिए वो भगवान को भी बहुत प्रिय है हर चीज। तो एक पर्टिकुलर पार्टी का भी चिन्ह है तो उसके लिए भी ज्यादा सोचेगा मत, है ना, कि उसके बारे में ज्यादा सोचेगा नहीं, कि बंगाल में तो एक नया स्लोगन निकल गया है ना, हरे कृष्ण हरे हरे डैश पार्टी घोरे घोरे
तो डोंट वरी अबाउट दैट मैच, आई एम टेलिंग अबाउट दैट पार्टी, बट बेसिकली कमल, कमल का क्या इंपॉर्टेंस है, कमल का इंपॉर्टेंस हमें ये देखना पड़ेगा, व्हाई लोटस इज बीइंग गिवन सो मच इंपॉर्टेंस. कमल पानी में जरूर रहता है लेकिन कभी पानी में भीगता नहीं है, राइट? पानी में भीगता नहीं है, हमेशा वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर पानी अगर गिर भी जाए, इट विल ऑलवेज, इट विल पानी में रह रहा है, पानी में नहीं भीगेगा. उसी तरह से भगवान कृष्ण भी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ही इज ऑल्सो लाइक लोटस. वो इस जगत में आते भी हैं लेकिन जगत के कर्मों के फलों से वो कभी फंसते नहीं. और एक भगवान का जो भक्त होता है, ही ऑल्सो नोज, आई ऑल्सो हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड. अरे जीवन तो निकालना है कि नहीं, हमें इस जगत में रहना पड़ेगा, थोड़ा ना मैं अभी भगवान के धाम में जा रहा हूँ, अभी उतना क्वालिफाइड नहीं हुआ. लेकिन धोरी माछ ना छुई पानी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसे जीवन व्यतीत करना है. पानी में रहकर भी क्या करना है, वी शुड नॉट गेट अटैच टू आवर फ्रूट्स ऑफ कर्म, इसके ऊपर रहिए. दूसरा एक और उदाहरण देखिए, कमल का एक और एडवांटेज भी है. देखिए कभी कभार कमल का एक दिन अगर बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, कमल बहुत अगर पॉन्ड में बारिश हो जाए, अभी मैक्सिमम लोग तो शहर में रहते हैं, कमल का देखा ही नहीं है किसी ने, बहुत लोगों ने देखा ही नहीं. अब मायापुर जाएंगे या मंदिरों में जाएंगे, इस्कॉन मंदिरों में भगवान को कमल की माला, कमल के फूल, स्पेशली मतलब बारिश के ऋतु में बहुत बार भगवान को ऑफर किया जाता है. शरद विहार, सलील विहार, इन सब चीजों में बहुत भगवान को ऑफर करते हैं. तो देखिए जब भी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद पानी का लेवल बढ़ जाता है पॉन्ड्स का. एक ही रात में अगर ऐसी बारिश हो जाए कि पूरा पानी का लेवल बढ़ गया, तो कमल का तो स्टेम एक पर्टिकुलर लेवल पे है, बट कमल नोज हाउ टू एडजस्ट वनसेल्फ. वो लेवल के हिसाब से अपने आप को, पत्ता हमेशा ऊपर ही रहेगा पानी के, कभी भी पत्ता डूबता नहीं. अभी लगेगा कि स्टेम थोड़ा छोटा हो गया, उसकी डंडी छोटी हो गई, पानी ऊपर आ गया, इतना बारिश हुआ कि भाई भर गया, नहीं, तब भी वो क्या करेगा, इट विल ऑलवेज एडजस्ट, वो अपने आप लंबा हो जाएगा, एंड इट विल ऑलवेज बी ऑन द लेवल ऑफ वाटर, इट विल ऑलवेज बी अलूफ फ्रॉम वाटर. पानी में रह के पानी में ना रहना, भगवान कृष्ण यही पे बता रहे हैं. बोधव्यम अपि कर्तव्यम अपि किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहितः. कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं लेकिन भगवान का भक्त इस जगत में जो होते हैं, दे अंडरस्टैंड हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड. तो ये 16 नंबर वर्स था कि किम कर्म किम अकर्मेति. बुद्धिमान लोग इस जगत में कंफ्यूज हो रहे हैं, व्हाट यू आर टेलिंग, दे आर ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज्ड. तो हम लोग कौन से पेड़ की मूली है, मतलब हम लोग कौन से खेत की मूली है, हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है. इतना ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्मा अकर्मा एंड विकर्मा. तो हम लोग सोचते हैं एक्शन इन एक्शन, व्हाट इज दैट, वी कैन गेट ऑल्सो कंफ्यूज्ड. तो लोगों के हिसाब से ये सोचते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ इज अ सबसेट ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा. एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा, जब भी ये शब्द कर्मा वाला यूज हो रहा है, कर्म का न्यूटन्स थर्ड लॉ, कोई लोग सोचते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से लॉ ऑफ कर्मा आया है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. न्यूटन्स थर्ड लॉ से लॉ ऑफ कर्मा नहीं आया. एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ इज अ सबसेट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा. तो कभी भी ये मत समझिए कि न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से आया. तो देखिए कर्मा जब भी शब्द आता है, कर्म के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. इसीलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता एक्चुअली क्या कर्म का मतलब क्या है, व्हाट इज दैट कर्मा, व्हाट डज इट मीन. तो कर्मा एक्चुअली में मीन, देर आर फोर टाइप्स ऑफ इन जनरल मीनिंग्स, फोर टाइप्स ऑफ इन जनरल मीनिंग्स. तो फर्स्ट व्हाट डज इट मीन इज कर्मा. कर्मा मीन्स एक्शन, कोई कार्य किसी ने किया, दैट मे मीन एक्शन, कर्म किया, आई हैव डन सम एक्टिविटी, दैट इज जस्ट एन एक्शन. अभी इस एक्शन का भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं. इट वन कैन बी गुड एक्शन, गुड एक्शन, होपफुली यू आर एबल टू सी सुकर्म. वन कैन बी बैड एक्शन, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन, विकर्म. एंड अनदर इज व्हाट, अकर्मा. अकर्मा मतलब नो एक्शन ऑल्सो, कर्म करें लेकिन फल ना मिले. ठीक है, तो कर्म का भी एनी एक्शन, कर्म जस्ट मीन्स एक्शन. तो पहला मीनिंग हमने लिया एक्शन, बट एक्शन कैन ऑल्सो मीन थ्री थिंग्स. तो इसी को समझने में लोग विमोहित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते, ये भगवान ने बताया. अगेन कर्मा में ऑल्सो मीन, वेन एवर कर्मा मीन्स, दैट मे मीन गुड एक्शन ऑल्सो, गुड एक्शन और मे बी पायस, पुण्य कर्म. कभी कभार सिर्फ पुण्य कर्म को भी बोला जाता है, अरे देखिए इनके कर्म कितने अच्छे थे. हम लोग बोलते हैं ना अच्छे कर्मों के फलों से, यार इनके इनके कर्मों का फल है. कोई अगर बहुत
रिच पर्सन है, बहुत पैसा वाला है, तो हम लोग सोचते हैं कि कर्म कितने अच्छे, हाउ इट इज ही इज एंजॉयिंग हिज कर्म. तो व्हाई? बिकॉज वी आर एंड इनडायरेक्टली वी आर टेलिंग दैट हिज पायस कर्म वाज वेरी गुड, पायस एक्शन. तो सेकेंड कर्म का डेफिनेशन ये हो गया, गुड एक्टिविटीज. थर्ड डेफिनेशन क्या हो सकता है कर्म, ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ रिएक्शन टू एन एक्शन. अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे तो कर्म ही खराब है. हम लोग बोलते हैं ना मेरे तो कर्म ही खराब है. अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी ना बोले कर्म ही खराब है या फिर मेरे सब कर्मों का फल है, सब कर्म सब ऐसा ही सब मेरे साथ क्यों होता है ना, मेरी फूटी किस्मत है. तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर टेलिंग अबाउट द रिएक्शंस, हमारे पिछले जन्मों के. हम लोग यहाँ पर एक्शन को नहीं बोल रहे, वी आर टेलिंग हेयर द रिएक्शन. तो हम लोग भले ही कर्म शब्द यूज कर रहे हैं लेकिन इट इज इनडायरेक्टली मीनिंग रिएक्शन. मेरे कर्मों का आज इफेक्ट जो मिल रहा है उसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड द फोर्थ थिंग, चौथा चीज जो कोई समझ सकता है कि अरे मैं कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त होऊंगा. कोई बोलता है ना मैं कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त होऊंगा, तो यहाँ पर अब कर्मों का मतलब क्या है, हम कौन सा समझेंगे? कर्मों का बंधन मतलब एक्शन का बंधन, पुण्य का बंधन, रिएक्शन का बंधन? नो, इट इज एक्चुअली द साइकिल ऑफ कर्मा, which is meant by good and bad activity. कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त होना, ये हम साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्मों का चक्र, इससे कैसे मुक्त होगा. तो देखिए एक ही शब्द है कर्म, इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. हर जगह कभी भगवत गीता में कब कर्म का मतलब क्या होगा वो हमें किसी डिवोटी की शेल्टर लेने पड़ेगी, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि कहां पर कब भगवान, या कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं हम, सिर्फ लिटरली मीनिंग समझने से हम लोग कर्म नहीं समझ सकते. और तो और दूसरा अगर मीनिंग देखें, अकर्म, अगर कोई बोल रहा है अकर्म, अकर्म का मतलब क्या हो सकता है? अकर्म का मतलब नो कर्मा, राइट? अकर्म का मतलब नो कर्मा. तो अगर लिटरल मीनिंग कोई ले, इसमें देखिए अकर्म, कर्म का हमने चार मीनिंग बताए, अकर्म का मतलब देखिए लिटरल मीनिंग अगर कोई लेगा दैट मीन्स नो एक्टिविटी, राइट? सही बोला कि नहीं? अकर्म का मतलब नो एक्टिविटी. बट अगर एक्चुअली अगर हम देखेंगे दैट मीन्स नॉन रिएक्टिव वर्क, कर्म करो लेकिन कर्मों के बंधनों में ना फंसो. भगवान इस चीज को फोकस कर रहे हैं इस सेक्शन में, नॉन रिएक्टिव वर्क, कर्म करते हुए भी हम work that doesn't produce reactions, right? ये हमें समझना पड़ेगा. तो कर्म के चार मीनिंग हो गए, अकर्म के दो मीनिंग हो गए. तो अच्छा चलो समझ में आया. तो बेसिकली हमने विकर्म को भी यहाँ पे ले लिया, विकर्म भी हमने ले ही लिया. तो थर्ड जो शब्द था कर्म, अकर्म और विकर्म, विकर्म मतलब बैड एक्शन, ऐसा कार्य जो शास्त्र सम्मत नहीं है. इसी की आज हम और भी डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट? कि कर्म अकर्म और विकर्म होता क्या है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के चक्कर में कभी फंस मत जाइएगा कि एक्चुअली व्हाट एवर एक्शन वी डू दैट विल बी कमिंग राइट अपॉन अस, ऑफ कोर्स. बट इसमें भी तरीका है, विद व्हाट इंटेंशन व्हाट और डिजायर और मोटिवेशन, किस मोटिवेशन के साथ कोई कार्य कर रहा है. अगर मोटिवेशन फलों को भोगने का है तब तो ये घूम फिर के उसी के सर पे आके कर्मों का चक्कर फंसने वाला है वो. अगर सिर्फ मोटिवेशन क्या है, आई वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू एंजॉय द फ्रूट, देन देर विल बी, ये कर्मिक रिएक्शन तभी ब्लॉक हो जाएगा, वो कभी आगे बढ़ने वाला ही नहीं है. तो ये ही भगवत गीता हमें सिखाता है. तो यहां पर देखिए कर्म का अगर डिक्शनरी मीनिंग ले, डिक्शनरी मीनिंग अगर शास्त्रों का अगर हम डायरेक्ट लेने जाएंगे ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत बार कि कर्म विकर्म अकर्म ये बोल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. डोंट, वी शुड नॉट रीड भगवत गीता और एनी वैदिक स्क्रिप्चर्स जस्ट बाय रीडिंग सम काइंड ऑफ संस्कृत टेक्स्ट. जो चीज अंग्रेजों ने गलती की, हमने एक सेशन में लिया था किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज की, हाउ दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय अवर कल्चर. क्या किया उन्होंने, उन्होंने देखा भारत की संस्कृति, उन्होंने ब्राजील में, लैटिन अमेरिका में पूरी तरह से माया सभ्यता या वहां की जो नेटिव इंडियन सोसाइटी थी, इवन इन अमेरिका, अंग्रेजों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. नेटिव इंडियंस के कल्चर को तोड़ दिया, लोगों को मार दिया, बहुत तरह से उनके कल्चर को तोड़ने की कोशिश की. इवन इन अफ्रीका ऑल्सो दे ट्राई टू डू. बट भारत में जब आए, भारत की संस्कृति को तोड़ ही नहीं पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे काम करना है. तो मुगलों ने तो तलवार पे काम किया, अंग्रेजों ने डिप्लोमेटिकली काम किया, हाउ टू डिस्ट्रॉय इंडियाज कल्चर.
तो उन्होंने बहुत खोदा, बहुत दिमाग लगाया, और इवन क्रिश्चियन मिशनरीज दे ट्राई टू कन्वर्ट इंडियन पीपल, क्योंकि भाई सिर्फ राज तो नहीं करना है, उनको चूसना भी है, उनको कन्वर्ट भी करना है, ये उनका मोटिवेशन था. ऑफकोर्स दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन वॉज नॉट जीसस क्राइस्ट मोटिवेशन. जीसस क्राइस्ट हैड वन ओवर द पीपल्स हार्ट, लोगों के हृदय को जीता जीसस ने, लेकिन ये प्रलोभन दिखा के कन्वर्ट करना, इट वॉज नॉट अ कन्वर्ट स्ट्रैटेजी ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो अंग्रेजों ने सोचा एक काम करते हैं, इनकी सभ्यता इतनी महान है, इसकी इनकी सभ्यता पर से लोगों की आस्था अगर टूट जाए, जो कि आज भी हो रहा है, प्रेजेंट डे मीडिया व्हाट इज ट्राई व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, एकदम हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, भारत की सभ्यता को तोड़ना है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया दे आर ट्राइंग टू डू. तो उन्होंने उस समय से ट्राई कर रहे हैं, 1830 में मैकॉले के समय से उन्होंने सोचा कि भारत की अगर स्क्रिप्चर्स को कोई पढ़ ले. तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को इम्प्लॉय किया, बहुत सारे ब्रिटिश पीपल, जर्मन पीपल, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल, बुद्धिजीवी लोगों को बोला कि आप वेद पढ़ो, और भारत के संस्कृत पंडितों से वो लोग कुछ संस्कृत के शब्द सीख लेते थे, और वो संस्कृत सीख के वो वेद पढ़ने जाते थे, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद. यू कैनॉट इमेजिन इन माई मेडिकल कॉलेज बुक्स ऑल्सो, मैं 1830s का या उस समय की स्टेटमेंट्स देख रहा था, उन्होंने हमारे शास्त्र पढ़ के हमको ही नीचा दिखाने की कोशिश की, कि वो बता रहे हैं अरे कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कहां पर हमने देखा है कि दूध का सागर है, या फिर घी का सागर है, या फिर ये सागर वो सागर, वेयर इट इज कंप्लीटली यूजलेस थिंग, कहां पर समुद्र मंथन हुआ था, कहां पर ये सब चीजें हुआ था, इट इज नॉट यूजलेस आइडिया. तो हमारा शास्त्र पढ़ के वो हमें नीचा दिखाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, दे हैव नो आइडिया कि दीज थिंग्स आर एग्जिस्टिंग ऑन हायर प्लैनेट्स. तो ये मोटिवेशन हमेशा से ही रहा है उनका. तो सिर्फ अगर संस्कृत पढ़ ले कोई और अगर अपने आप को बुद्धिमान समझ के शास्त्र पढ़ने जाए तो वो पगला जाएगा वो. तो कर्म अकर्म, इसीलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट. तो कर्म को अगर कोई एक्शन समझे, जस्ट एक्शन, तो इट इज नॉट लाइक दैट, कि जस्ट सिंपल लिटरली वर्ड्स में कर्मा मीन्स एक्शन. हम लोग भी समझते कर्म मतलब कोई कार्य, एंड अकर्मा मतलब नो एक्टिविटी, एकदम चिल मार के बैठा हुआ हूँ यार, एकदम मस्त, कोई काम नहीं कर रहा, दैट इज मीन्स अकर्मा, मैं अकर्म कर रहा हूँ, मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ. बट इज इट रियली लाइक दैट, आपको क्या लगता है, इज इट रियली लाइक दैट? कर्म और अकर्म क्या मतलब, इट इज अ वेरी गुड रहस्य, भगवान कृष्ण बताते हैं इसको. अगर समझना है 4.16 में भगवान प्रभुपाद जी ने बताया, ये से तभी संभव है जब हम गुरु से सीखते हैं, गुरु से सुनते हैं, गुरु शिष्य परंपरा, दिस इज एन अनब्रोकन चेन. गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है, शिष्य अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है. जब तक इस परंपरा में कोई रह के ज्ञान नहीं सीखता है, अगर टूटी हुई परंपरा से अगर कोई ज्ञान सीखेगा, या आज कोई बोलने लगा मैं ही गुरु हूं, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ दैट इज परफेक्ट, तो वो पगला जाएगा. तो देखिए इसका एग्जाम्पल देने के लिए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर, आपके सामने एक स्क्रीन पे एक लाइन दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम बाइबल, बाइबल और वन ऑफ द बुक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो वहां पर ये लाइन आता है, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक. तो आपको क्या लगता है, वट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, द स्पिरिट इज विलिंग एंड द फ्लैश इज वीक, क्या लगता है आपको, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक, कोई बताना चाहेगा? अगर छोड़ दिया अभी इंटरेक्शन, उतना लंबा लाइन लिखना पड़ेगा, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है. बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं, यस तमोगुणो प्रभु इज टेलिंग सोल एंड बॉडी कॉन्सेप्ट्स, ओके 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 ठीक है, चलो हम लोग आगे जाके देखते हैं व्हाट डज दैट मीन. अगर किसी ने और किसी ने लिखा है तो लेट्स सी एनीबॉडी इंटरेक्टेड. डुअलिटी, ओके सुलक्षणा माता इज टेलिंग अबाउट डुअलिटी, ठीक है आपके सामने अभी शो ही कर देते हैं. देखिए लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, अगर हम लोग लिटरल वर्ड्स में देखिए, गूगल ट्रांसलेटर आप लोगों ने देखा है, बहुत बार हम लोग गूगल ट्रांसलेटर, एक माता जी ने, संजना माता जी ने एक आर्टिकल सीज फ्रॉम दिस बैच ओनली, संजना माता जी ने एक मराठी में एक आर्टिकल था जगन्नाथ जी के ऊपर, उसने क्या किया, उन्होंने स्नेहा माता जी को पोस्ट किया कि आपको बताइए कि ये सही है कि नहीं. स्नेहा माता जी कंफ्यूज हो गई, फिर क्या मराठी में लिख के भेज दिया, कुछ पता नहीं चल रहा है. तो व्हाट्स संजना माता जी, सीज फ्रॉम महाराष्ट्र, संजना कामडी. तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा आर्टिकल क्या किया, उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर में डाल के पूरा ट्रांसलेट करके भेज दिया इन हिंदी या इन इंग्लिश, समथिंग लाइक दैट. और उन्होंने भेजा, और स्नेहा माता जी ने मुझे भेजा, प्रभु जी देखिए तो सही हो, जगन्नाथ जी के बारे में हमने बताया ना, वो नाभि वाला कॉन्सेप्ट था, तो जगन्नाथ जी के नाभि के बारे में पूछ रही थी माता जी. तो मैंने पढ़ा कि इतना खराब ट्रांसलेशन किसने किया, किसने, कौन ऐसा लैंग्वेज में लिख सकता है. तब आई कुड अंडरस्टैंड एक्चुअल आर्टिकल वॉज इन मराठी, उसको गूगल ने ट्रांसलेट किया, और इतना खराब ट्रांसलेशन, इतना थर्ड क्लास ट्रांसलेशन, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो आई गोट सी, देखिए गूगल व्हाट इट कैन डू, लिटिल बिट थिंग्स हेयर एंड देयर यू कैन डू, बट उस स्टेटमेंट का जो भाव है, अगर हम उस चीज को समझेंगे, वो भाव उसको व्यक्त नहीं कर सकता, वो एक व्यक्ति विशेष अगर कुछ कोई स्टेटमेंट का क्या भाव है वो समझ सकता है. मशीन लर्निंग इज स्टिल नॉट पॉसिबल,
मशीन हर चीज लर्न कर ही नहीं सकता. हम लोग चाह रहे हैं कि मशीन लर्निंग सब कुछ हो जाए, मशीन कैन नॉट लर्न एवरीथिंग. तो फ्रॉम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू, एक स्टेटमेंट शायद गूगल ट्रांसलेट करके दे भी दे कि जो उसके सामने था उसका वर्ड मीनिंग वाइज ठीक कर दिया, लेकिन लिटरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं हुआ. ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण देखिए, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक. तो इंग्लिश को रशियन में ट्रांसलेट किया या फिर स्पेनिश में ट्रांसलेट किया, और स्पेनिश से फिर इंग्लिश में अगर गूगल ने ट्रांसलेट किया गया, तो ये आपके सामने अगर कोई रशियन जानते हैं तो वो समझने की कोशिश कर सकते हैं, स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक. अब इसी रशियन को फिर से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तब क्या होगा, द वोडका इज गुड बट द मीट इज रॉटन. द वोडका इज गुड बट द मीट इज रॉटन. बेसिकली इसका मतलब ये है क्या, एक्चुअली बाइबल में श्लोक क्यों आता है, ये क्या है, स्पिरिट इज विलिंगली रेडी, आत्मा चाहती है भगवान को समर्पित करना, बट जो हमारी फ्लैश है, जो हमारी भोग वासनाएं हैं, हमारा शरीर है, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है. इसका मतलब ये है. लेकिन रशिया क्या, रशियन और ये लॉस्ट ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन में फंस गया वो बेचारा. या वोडका इज गुड, क्योंकि स्पिरिट रशियन करेगा, रशियन से अगर ये करेगा तो इट विल बिकम वोडका इज गुड बट द फ्लैश इज वीक, यानी कि मीट इज रॉटन. उसको पूरा एकदम मीनिंग चेंज कर दिया. या द एल्कोहल इज अरेंज्ड बट द मीट इज वीक, इस तरह से चेंज कर दिया. तो संस्कृत शब्दों को इस तरह से हम नहीं समझ सकते, कर्मा को तो और भी नहीं समझ सकते. भगवान बता रहे हैं बड़े से बड़े 30 मार खा लोग, उन लोगों का दिमाग खराब हो गया, तो हम लोग कौन सी चीज है. तो डोंट थिंक दैट कर्मा इज एक्शन रिएक्शन ओनली ऑन दिस, बट हेयर इंटेंशन ऑल्सो मैटर्स. किस इंटेंशन से कोई कार्य कर रहा है. कर्मा इज नॉट समथिंग लाइक दैट कि जो भी किया उसके अगेंस्ट में फल आना ही है. नहीं, कार्य करते करते भी कभी कभार फल नहीं आता है, उसी को भगवान कृष्ण यहाँ पर बताएंगे. देखिए, तो कर्मा का लिटरल मीनिंग अगर देखेंगे, एक्शन दैट प्रोड्यूस रिएक्शंस, तो ये दो प्रकार का हो सकता है. दो क्या, टू काइंड्स ऑफ. यस, शुभश्री माता जी, यू आर परफेक्ट. आपने अभी मैंने अपने देखा. यस, पूजा इज ऑल्सो परफेक्ट. आपने सही एकदम ये किया था. सोल्स नेचर इज टू लव कृष्णा बट द फिजिकल बॉडी डज नॉट हैव फेथ. यस, परफेक्ट. यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल. एंड शुभश्री माता जी ऑल्सो, थैंक यू. लता माता जी ऑल्सो. तो ठीक बोले सर आपने. एक्शंस दैट, अभी कर्मा का दो मीनिंग है. कर्मा मतलब गुड रिएक्शंस एंड बैड रिएक्शंस. मतलब कर्म का मतलब सुकर्म और विकर्म. ठीक है, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया. और अकर्म इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हम लोगों को समझना है. एक्शंस दैट डजंट प्रोड्यूस रिएक्शन. इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे, तो सोफे पे मस्त मार के बैठे एकदम, वैसे नहीं होता है. तो बाई रिमेनिंग इनएक्टिव, ये चलो एक लिटरल वे में हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि बाई रिमेनिंग इनएक्टिव, अगर हम कोई कार्य ही नहीं करेंगे देन देयर विल बी नो रिएक्शन. दिस इज वन लिटरल मीनिंग. बट अनदर थिंग इज दैट बाई नॉन रिएक्टिव वर्क, सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे, कार्य करना है लेकिन फल भी ना मिले. ये हमें भगवान भगवद गीता में सिखा रहे हैं. तो इन चार चीजों में भगवान सुकर्म करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं कि अरे भाई अच्छे कर्म करो स्वर्ग जाके भोग के आओगे. विकर्म करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं कि अरे भाई नर्क में जाना पड़ेगा, वो भी नहीं चाह रहे हैं भगवान. तीसरा, भगवान अर्जुन को बाय रिमेनिंग इनएक्टिव, भगवान ने ये बताया ना, देखिए बाय रिमेनिंग इनएक्टिव, ये पहले ही 2.47 में भगवान ने नकार दिया था कि इनएक्टिव रहना ही नहीं है. आपको याद है कौन सा श्लोक है 2.47? एनीबडी नोस, बताएगा. कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व अकर्मणि. 2.47 में भगवान ने ऑलरेडी बोला माते संगोस्त्व, माते संगोस्त्व अकर्मणि. कभी भी अपने आप को ये मत समझना कि कर्म छोड़ के भाग जाना है. अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करना है, लेकिन कैसे करना है. तो नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी. अर्जुन के मन में तो यही कंफ्यूजन था ना, मैं युद्ध लड़ू कि नहीं लड़ू. भगवान ने 2.47 में ऑलरेडी बोल दिया था डोंट बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी. तो यहां पर अगर हम देखें, कृष्णा हैज ऑलरेडी टोल्ड बाय रिमेनिंग इनएक्टिव, भगवान बोल ही नहीं रहे हैं कि तुमको कर्म छोड़ के भागना है, तुम्हें अपना कार्य करना है, लेकिन कैसे करना है. नाउ इन दिस सेक्शन 4.16-24 में भगवान बताने वाले हैं व्हाट इज द वे हाउ टू डू इट. और इवन देखिए बाय रिमेनिंग इनएक्टिव, इसीलिए एक और श्लोक आता है 3.5 में भगवान ने बताया था, अगर कोई सोच रहा है कि मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, एकदम सोता रहूंगा, मैं एकदम मस्त बिस्तर लगा के एकदम सोता रहूंगा, तो वहां पर भगवान कृष्ण ने थर्ड 3.5 में ऑलरेडी बोला था, अरे एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द मोड्स ऑफ नेचर, देयरफॉर वन
नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट इवन फॉर अ मोमेंट. एक सेकेंड के लिए भी कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा उसको. हमें खाना खाने के लिए भी तो कार्य करना है, तो कैसे अपना कार्य करें? तो ये भगवान ने ऑलरेडी ही इज नॉट सपोर्टिंग दिस थिंग, ही इज नॉट सपोर्टिंग. अकर्म का मतलब जो लिटरल विलिंग अगर कोई ले रहा है, दैट इज कृष्णा इज नॉट टेलिंग. अकर्म मतलब नॉट दिस, दैट मीन्स कृष्णा इज टेलिंग बाई नॉन रिएक्टिव वर्क. तो लेट्स बिगिन. वट इज दैट? जैसे अगर देखिए, अगर कोई सोचेगा कि मैं अगर कोई ना कार्य करूं तो भी मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिलना चाहिए, बट इज इट समथिंग लाइक दैट? हमने पहले सेकेंड चैप्टर में ये डिस्कस किया था. तो आपके सामने एक उदाहरण दिया जाता है. तो एक डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया, और उसके सामने मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था. एक पेशेंट गया, और पेशेंट जाने के बाद बोलता है, सर पेट में दर्द हो रहा है. कहाँ पे? राइट इंग्विनल फोसा, राइट साइड में मेरा इस साइड में पेन है, बहुत पेन हो रहा है सर, बहुत पेन हो रहा है, उल्टी उल्टी सब कुछ हो रहा है. तो डॉक्टर ने देखा, बोला कि अरे तुमको तो लाइक समथिंग इज हैपनिंग, चिंता मत करो, तुम्हें मैं एंटीबायोटिक देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं. ठीक है, डॉक्टर ने देखा भी टेंडर भी है वो, बहुत पेन है उसको, वो कुछ मेडिसिन देकर छोड़ दिया. कुछ दिन बाद पता चला कि उस पेशेंट को अपेंडिसाइटिस था, एंड इट बिकेम सो मच कि सेप्टिसीमिया हो गया, पूरा रप्चर हो गया. देन व्हाट विल हैपन, व्हाट शुड हैपन? पहला वाला जो डॉक्टर है उसको जाके पकड़ेंगे, बाद में जाके दूसरा डॉक्टर जब देखेगा, बोले भाई पहले ही उसने देख लिया है, एंड ही हैज सीन, ही हैज डायग्नोस्ड ऑलरेडी कि ये तो कॉमन चीज है, इसको सबको पता होना चाहिए कि दिस इज अपेंडिसाइटिस. इसको पहले ही इसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं, सर्जन के पास क्यों नहीं रेफर किया उसने? तो सच काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड मेडिकल नेग्लिजेंस. भाई पहली तरफ से उसने गलती क्यों की? इस तरह से दिस इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इतना सा चीज तो सबको समझ में आता है. तो अगर यहाँ पे बोला जाए डॉक्टर को, अरे सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो उसको ऑपरेशन नहीं किया, मैंने उसको मेडिसिन भी नहीं, मतलब मैंने एक्जैक्टली कुछ भी नहीं किया उसको, मैंने बस छोड़ दिया भाई जाओ. तो डॉक्टर अगर कहे मैंने कुछ नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं क्या? He has just a karma. He has done a karma. उसने कुछ एक्टिविटी नहीं किया, he should be sent. उसको रिहा कर दो. अरे MCI के पास जाएंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पूरा उसके ऊपर केस चलेगा. मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन्स. ये डॉक्टरों का डिग्री चला जाता है इसकी वजह से. क्यों? बिकॉज पीपल आर नॉट डूइंग देयर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज प्रॉपरली. तो अकर्म हमेशा ऐसा नहीं है कि अकर्म करने से, इन द सेंस आई एम नॉट डूइंग माई एक्टिविटी, that will not produce a reaction, that will produce opposite reaction also, because you are not doing your responsible activity, responsible duty. उसी तरह से हमने एक और उदाहरण दिया था. ऐसे उदाहरण दिया था, कहाँ पे? मुंबई अटैक, जब ये हमारे कौन से साहब थे, अजमल साहब गोली चला रहे थे बाहर, ये लोग बैठ के देख रहे हैं, करना क्या है सर, क्या करें बताइए, तो एकदम इतना एकदम गोली वोली चल रहा है, हमको करना क्या है, इतना धूम ढिसुम ढासुम चल रहा है, और लोग अंदर में मर रहे हैं CST के अंदर, पूरी तरह से गोली चल रहा है, और ये लोग अपना 303 लेके जाएंगे. ऑफकोर्स अपनी भी जान बचानी पड़ती है, लेकिन अपने कॉल ऑफ ड्यूटी, इसी के लिए तो पेंशन, इसीलिए तो कमाई कर रहे हैं, उसी के लिए पूरा जीवन दिया है. अगर एन वक्त पे अगर कोई नहीं जाएगा, बाहर सिर्फ तमाशा देखते रहेगा, देन व्हाट विल हैपन? देन दे विल बी सस्पेंडेड, देन दे विल बी कल्पेबल, क्रिमिनली कल्पेबल. पुलिस होने के बावजूद न्याय हाथ में लिया है, लेकिन न्याय का सही प्रकार से वो न्याय लोगों को दे नहीं रहे. तो अगर यहाँ पर भी ये लोग भी अकर्म ही कर रहे थे, कुछ किया नहीं उन्होंने, बाद में आर्मी को आना पड़ा, कमांडोज को आना पड़ा, बट ये लोग भी बोल सकते सर हमने कुछ नहीं किया, सर हमको छोड़ दीजिए, सरकार हमको छोड़ दीजिए. तो हम लोग सोचेंगे क्या, छोड़ देंगे उसको? नहीं, दे आर ऑल्सो क्रिमिनली कल्पेबल. तो ऑलवेज वी शुड अंडरस्टैंड दैट बाई रिमेनिंग इनएक्टिव, अपना सिर्फ इनएक्टिव कार्य किया, देन ऑल्सो वी विल नॉट गेट एनी रिएक्शन. इट इज नॉट ऑलवेज द थिंग, समटाइम्स वी गेट मोर ऑफ द रिएक्शंस ऑल्सो, वी गेट मोर बैड रिएक्शंस. तो कर्मों को समझना इतना आसान नहीं है. तो शास्त्र से हम कुछ एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं. तो पहला एग्जाम्पल जो हम लेंगे कि कर्मों के रहस्यों को समझना कितना 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 मुश्किल है. तो ये व्यक्ति कौन है, किसी को याद है? हमने पहले सेकंड चैप्टर में बताया था कौन है ये, किसी को याद आ रहा है कौन थे ये, कौन है ये? यस, अरे बाप रे साहब, मतलब फटाफट टाइपिंग चल रहा है. पूजा फर्स्ट तमोगुण प्रभु दीपांकर प्रभु, यस you are perfect. तो he is अजामिल. अजामिल का भी वही प्रॉब्लम था, अजामिल इसका नाम में ही अजामिल मिलते हैं. तो इन्होंने वैश्या को देखा. देखिए इनके जीवन का भी हम बताइए. देखिए श्रीमद् भागवतम के 6th स्कंद में इनके जीवन के बारे में आता है कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण का बेटा, शास्त्र सब जानता है, जानने के बावजूद what it is, 18-19 वर्ष की जब आयु थी उनकी, उस समय एक वैश्या और एक एक फोर्थ क्लास पर्सन, एक शूद्र, शूद्र और शूद्राणी बोला, तो दैट टाइम देवर
आउटकास्ट पीपल इन सोसाइटी. आजकल ये कॉमन हो गया, ये सब हर जगह दिखेगा आपको, हर मूवी, हर सिनेमा, हर बिलबोर्ड, हर गली, हर ही नुक्कड़, हर जगह, हर पार्क में जाकर ये सब दिखेंगे. तो उस समय उतना प्योर एनवायरनमेंट था, उस समय एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो गया. तो वो सोचता है कि अरे उसके दिल में इतनी काम वासनाएं थी, उसकी खुद की पत्नी थी, उसके माँ बाप थे, बूढ़े माँ बाप, सबको घर से उसने भगा दिया, निकाल दिया, और इस वैश्या को अपने घर लेके आए, अपनी धर्म पत्नी, ब्राह्मणी पत्नी, उसको उसने घर से निकाल दिया. सोच सकते हैं कितना रिएक्शन उसको मिला होगा, व्हाट काइंड ऑफ सिनफुल एक्टिविटीज ही डिड. अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, भगा दिया उसको. और इसी वैश्या से उसको 80 साल मतलब टिल 88 ईयर्स, 18-19 वर्ष की आयु से 88 साल की आयु तक उसने अपनी वैश्या को भरण पोषण करने के लिए फुल प्रकार से चोरी चमारी डकाती सब कुछ डकैती सब तरह के कार्य किए उसने, उसका भरण पोषण करने के लिए. 10-10 संतानें उत्पन्न की, इतना कामुक व्यक्ति था. 10-10 संतानें उत्पन्न की. लास्ट वाले बेटे का क्या नाम रखा? नारायण. नारायण रखने के बाद अंत समय में सोची इसका क्या स्थिति होगी. तो अंत समय में आ गए हम आ गए सरकार आपको लेने के लिए. कौन आते हैं बताइए अंत समय में, कौन आते हैं लेने के लिए? तो ये यमदूत देखने में यहाँ पे तो चलो फिर भी भोले भाले लग रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत जेंटलमैन टाइप के लग रहे हैं, बट ऐसे यमदूत दिखते नहीं है. जिसको अगर सच में दिखा हो तो ऐसे भयानक टाइप के दिखते हैं, रोंगटे खड़े हुए, बाल खड़े हुए, खूंखार दिखने वाले, दांत दिखने वाले. अब सोचिए इन लोगों को भी ऐसा जॉब मिला है, इनके भी कुकर में है कि इनको ऐसा जॉब मिला है, यमदूत का काम कर रहे हैं. तो अभी इनके बीच में ऐसा संघर्ष हो रहा था, इस व्यक्ति के आत्मा को ले जाने के लिए कोशिश ही कर रहे थे थ्रू सटल, मतलब उसके गले में, उसकी आत्मा में उन्होंने रस्सी का फंदा वंदा डाला था. उसी समय विष्णु दूत आ गए वहां पर. 3 विष्णु दूत आकर बोलते हैं, रुको, यू कैन नॉट टेक हिम, आप इसको नहीं लेके जा सकते. क्यों? अरे क्यों नहीं लेके जा सकते? और हो कौन आप? आपको हम तो पहले कभी दिखाई नहीं, आप ऐसे 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 दिव्य व्यक्ति दिख रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर. तो वहां पर क्या डिस्कशन होता है, वहां पर विष्णु दूत आकर बोलते हैं इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है. तो वहां पर उस समय देखिए, देखने में भले ही ये खूंखार व्यक्ति लगे, भले ही ये लोग इतने भद्दे दिखने में, एकदम फ्लैट फेस, कॉकरोच जैसे फेस या मॉस्किटो जैसे फेस, इतने भयानक भयानक वाले फेस वाले हैं, बट ये लोग सब शास्त्र सम्मत है. आप 6 कैंटो 1st, 2nd, 3rd चैप्टर, 3 चैप्टर्स में इनका डिस्क्रिप्शन चलता है, बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन है. यमदूत लोग विष्णु दूतों के साथ चैलेंज कर रहे हैं, अरे आप कैसे कह सकते हो कि ये धार्मिक व्यक्ति है, इसने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ पाप किया और कुछ नहीं किया है. हाउ यू कैन से दिस इज अ पायस व्यक्ति, इसको छोड़ दो, इसको इसने नारायण का नाम लिया है. नारायण का नाम लिया तो क्या, पूरा जीवन तो देखो इसका, व्हाट ही हैज डन. विष्णु फिर इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से डिस्कशन चलता है विष्णु दूतों के बीच में और यमदूतों के बीच में. वहां पर धर्म की परिभाषा पूछते हैं विष्णु दूत, तुमको क्या लगता है धर्म का परिभाषा क्या है. देन दे ऑल्सो से कोट शास्त्रस, ये पुराण वो पुराण, बहुत सारे पुराण कोट करते हैं, हमने ये सुना है यमराज के मुख से, ये हमने सुना है. इन लोगों को भी ट्रेनिंग मिलती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, यमराज कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एडुकेशन, वहां पर उनको कोचिंग मिलती है, तब जाके धर्म सीखा है. तो लास्ट में जाके यम दूतों ने उनको ये बोला, जिस व्यक्ति ने इस जगत में भगवान श्री हरि का नाम अगर निसंकोच भावना से, इस भावना से नहीं कि इसके बूते में मैं अपने कर्मों के फलों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, बस जिस असहाय भावना से इसने भगवान श्री हरि को बुलाया, एक्चुअली तो वो अपने छोटे बच्चे को बुला रहा था, छोटा बच्चे का नाम नारायण रख दिया था उसने. और इस जगत में जो सबसे अटैच रहता है जिस व्यक्ति के प्रति, उसी को याद करता है. कोई पत्नी से अटैच तो पत्नी को याद करता है, कोई पैसे से अटैच पैसे को अटैच करता है, याद करता है. इसीलिए पहले के जमाने में लोग बच्चों का नाम टॉमी, डिक्की, हैरी, ये सब नाम नहीं रखते थे, भगवान के नाम पे नाम रखते थे, ताकि अंत समय में अगर बच्चे से आ सकती है तो भगवान का मुख से नाम तो निकल जाएगा. आजकल नाम रखते हैं सब टीनू मीनू, इना मीना, डिका, सब ये सब नाम रखते हैं. तो इस कारण से ये यहाँ पर डिस्कशन होता है और अंत में जाके ये लोग हार जाते हैं. मतलब ठीक है, हम लोग पूछेंगे हमने यमराज से आप लोग कौन थे, बट हम नहीं लेके जा रहे, हम छोड़ के जा रहे हैं. उसके बाद 12 वर्ष के बाद फिर अजामिल को समझ में आता है, अरे मैंने क्या किया. फिर 88 से 12 वर्ष यानी कि 100 साल सो सकते हैं, 100 ईयर्स ही लिफ्ट, तो 100 साल तक वो जिए. उसके बाद हरिद्वार में जाके उनकी मुक्ति होती, बट यहाँ पर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो कर्मों के फलों से मुक्त जरूर हो गए. वो एक नाम, एक होरी नामे जो तो पाप हरे, पापीर साधो नाए तो पाप परे. একটা কথা শুনেছেন তো বাংলায়, এক হরি নামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নেই তত পাপ করে. তো বেসিক্যালি यहां पर यही बताया कि एक हरि नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे अनंत जन्मों के पापों से भी हमें मुक्त कर सकती है. ये हरि नाम की महिमा की ये कहानी है अजामिल की. तो ये समझना, देखिए यमदूत जैसे लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं इवन इंटेलिजेंट पीपल गेट बिविल्डर्ड, बट टू स्पीक ऑफ अस, नॉर्मल लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए.
तो इनका फिर बाद में आके फिर यमदूत यमराज के पास जाते हैं, यमराज फिर इनको क्लियर करते हैं। कभी भी आगे चल के जो लोग वैष्णव हो, उन्होंने स्पेशल बोला, कभी भी जो लोग हो जिनके माथे पे तिलक हो, जिन पे गले पे कंठी माला हो, जो भगवान का नाम जप करते हैं, जिनके घर पे तुलसी हो, इनको दूर से प्रणाम करना, इनके दूर से 100 मीटर दूर से प्रणाम करके निकल लेना चलते, वरना कभी भी इनको लेने मत जाना। इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी है। क्या गले में तुलसी माला, बट ये नहीं कि गले में तुलसी माला लेकर हम जो भी कर रहे हैं, माछ मच्छी ये वो अंडा फंडा, जो भगवान की भक्ति तो दूर, असुर लोग भी जो कार्य नहीं करते, बहुत लोग ये कर बहुत सारे वैसे कार्य करते हैं। तो वैष्णव की तरह कार्य भी करना है। कभी भी हम सोचेंगे कि हम चीट करने जाएंगे यमराज को, यमराज को पता है इंटेंशन क्या है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द विटनेस विद इन आवर हार्ट। तो ये समझना पड़ेगा। तो ये पूरी घटना घटती है, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। तो ये हमने पहली घटना बताई कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। यही जो नाम करो कत जरूरी, हर दिन हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान के नाम में सोचिए, एक बार निसहाय भावना से इन्होंने ऐसा नाम लिया, उनके पूरे अनंत करोड़ों जन्मों के पापों से उनको मुक्ति मिल गई। तो हम लोग भी पापों से मुक्ति क्यों नहीं होगी, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम निसहाय भावना से पाप नहीं ले, हम भगवान का नाम नहीं ले रहे। वी हैव टू बी रियली टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णास नेम, एज इफ अ चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मदर। माँ के लिए कोई अगर बच्चा रोता है, इस जगत में इतनी पीड़ा हम लोग को मिल रही है, बट स्टिल वी आर नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस निस्सहाय अवस्था के कारण ही उनको ऐसी अवस्था मिली। दूसरा केस स्टडी, अनदर केस स्टडी, ये आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस केस स्टडी यू आर सीइंग, वन सेकंड। आपके सामने एक और केस स्टडी आपको दिख रही होगी। तो दिस इज, कोई किसी को अगर समझ में आया कि मैंने क्या दिखाया, नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं। देयर इज अ केस स्टडी ऑफ इन सिक्स्थ कैंटो ओनली, छठे स्कंद में एक और कहानी आती है। किनकी कहानी? वृत्रासुर की कहानी। कितने लोगों का छठा स्कंद हो गया, या फिर किसी को पता है वृत्रासुर के बारे में, किसी व्यक्ति को पता है, नाम सुना है वृत्रासुर? संदीप सेन गुप्ता प्रभु, यस, थैंक यू सो मच। और किसी हाथ उठा सकते हैं आप लोग? अभी टिक मार्क किसने किया, अभी कैसे समझे, हु गिव टिक मार्क? ओके, ऋचा माता, ऋचा जी इज देयर, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। एंड अनदर वन, एनीवन एल्स, वृत्रासुर, हु इज वृत्रासुर? सुदेशना माता जी, थैंक यू सो मच। अभी वृत्रासुर के बारे में हम चर्चा करेंगे। वृत्रासुर की कहानी आते हैं कि इन सिक्स्थ कैंटो, तो ऐसा एक असुर की स्थिति, त्वष्टा नाम के एक देवता थे जिन्होंने इस असुर को जन्म दिया, क्योंकि देवराज इंद्र ने त्वष्टा के जो पहला बेटा था, एक्चुअली एक पूरा बहुत बड़ी कहानी है, तो त्वष्टा के दो बेटे, त्वष्टा के पहले बेटे थे विश्वरूप, उनके चार सर थे। तो हैं, यस सुदेशना माता, यू आर राइट। तो ये कहानी कहाँ पे आ रही है, एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, सभा में एकदम आराम से बैठे हुए थे। तो उस समय देवराज, उनके जो गुरु हैं कौन, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति उनकी सभा में आते हैं, और आने के बाद व्हाट हैपेंस, ही बिकम्स, इतना वो नाच गाने में व्यस्त थे, और साथ ही साथ सोचा, अरे गुरु तो हर दिन ही आते हैं, व्हाई शुड आई सिट अप। तो गुरु का उन्होंने अपमान किया, एक तरह से अवमानना की, अपमान नहीं किया, एक तरह से अवमानना की। बृहस्पति आए, उनको समझ में आ गया कि ही इज टू मच अटैच टू हिज पोजिशन, अपने पोस्ट पोजीशन के प्रति इतना आसक्त हो गया है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, ये देवराज इंद्र भूल गए। तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा, वो वहीं से इमीडिएटली निकल गए और चले गए, और कहां गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। और उसी समय तत्क्षणात देवराज इंद्र को समझ में आया कि मैंने अपने गुरु के चरणों में अपराध कर दिया है, मैंने गुरु के चरणों में अपराध कर दिया है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और ये खबर पूरे विश्व में फैल गई। देखिए, इसीलिए हमें समझ में नहीं आता है कि अपने गुरु वर्गों का, अपने माता पिता के आशीर्वाद का जीवन में क्या महत्व है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता से हर दिन आशीर्वाद लेता है, पैर छूता है, या फिर गुरु को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, आचार्यों के ऊपर संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहेगा, उसके जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला असुरों को पता था। तो असुरों को समझ में, अरे भाई देवराज इंद्र के गुरु का, अभी उसने गुरु का अपमान कर दिया, यानी कि अभी उसके पास शक्ति हीन हो गई, उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। इस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आचार्य, कौन है उनके आचार्य, कौन है बताइए, शुक्राचार्य, आप फुड़ी हुई है ना, पता है ना उनको ऐसे। तो शुक्राचार्य को उन्होंने बहुत पसंद किया, और इतना पसंद किया, उनको इतना खुश कर दिया कि शुक्राचार्य के बूते, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया, उनकी इतनी शक्ति हो गई, एंड दे अटैक्ड ऑन देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ऐसे ही परेशान है, उसके गुरु नहीं है, और वो युद्ध में एकदम पूरी तरह से मात खा गए, परास्त हो गए, और इधर उधर भागने लगे, स्वर्ग का सारा पोस्ट पोजीशन छोड़ के भागने लगे। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बताया चिंता मत करो, ठीक है, तुमने गुरु का अपमान किया, अभी बृहस्पति दिख नहीं रहे,
तो तुम्हें क्या करना चाहिए, त्वष्टा नाम के एक देवता है, उनके बेटे तो उनके बेटे एक्चुअली त्वष्टा ने त्वष्टा देवता थे, उनकी पत्नी जो थी वो असुरों की तरफ से थी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, त्वष्टा देवलोक से थे और उनकी पत्नी असुरों की तरफ से थी, और उनके जो बेटे हुए वो भी ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, देवलोक में ही उनका निवास था। तो उनका नाम था विश्वरूप, उनके चार सर थे, बहुत बुद्धिमान पंडित व्यक्ति थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विश्वरूप उनको अपना गुरु बनाओ और किसी तरह से उनको संतुष्ट करो, और वो जब तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे, तुम्हारे लिए शक्ति प्रदान करेंगे, देन यू अटैक बाकी सबको। तो बाकी सबको उन्होंने अटैक किया, तो उन्होंने बृहस्पति मिल नहीं रहे थे, इन्होंने विश्वरूप को अच्छी प्रकार से सेवा की, बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक वर्ड ऑफ कॉशन भी दे दिया था कि अगर देखो, चूंकि विश्वरूप के माँ असुरों की तरफ से है और पिता देवताओं की तरफ से है, तो कभी कभार शायद वो क्या करेंगे, वो यज्ञ में आहुति असुरों के लिए भी दे देंगे। तो उतना टॉलरेट कर लेना, इतना सहन कर लेना, क्योंकि वो उनका अटैचमेंट असुरों की तरफ भी है। भले ही वो तुमको हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि तुम देव उनके पिताजी देवताओं की तरफ से हैं, लेकिन तुम इतना सा टॉलरेट करना, ये उसमें एक खामी है, इसको एडजस्ट कर लेना। तो देवराज इंद्र ने बोला था, जो आ गया, अभी तो हम मैं इतना फुल तरह से परेशान हूँ, मुझे प्लीज मुझे रिहा कर दीजिए, एटलीस्ट मैं इस तरफ इस सिचुएशन से मैं निकलना चाहता हूँ। तो इस तरह से उनको फिर से विजय प्राप्त हुई, असुरों पे उन्होंने अटैक किया, ही बिकेम विक्टोरियस। और इस प्रकार से सब कार्य ठीक ठाक ही चल रहा था, अभी भी बृहस्पति सीन में नहीं आया, ये स्टिल अलूफ। उसके बाद एक और घटना होती है, क्या होता है, एक समय देवराज इंद्र को समझ में आया कि ये व्यक्ति यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन बीच बीच में छुपते छुपते किस कोई और मंत्र, ओम असुराय स्वाहा, ओम बलि महाराजा स्वाहा, ओम ये स्वाहा, मतलब बिना लॉडिबल आवाज में थोड़ा उन लोगों के लिए आहुति दे रहा है। इंद्र इतने गुस्से में आ गए, बोला कि ये मैं एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता, खाया तुमने नमक मेरा है और तुम उसके लिए कार्य कर रहे हो, आई विल श्योरली किल यू, मैं तुम्हें तुम्हारा सर काट के खत्म कर दूंगा इमीडिएटली। तलवार निकाला, सोचिए इतना सर टॉलरेट करने की क्षमता नहीं है। हमारे साथ वही प्रॉब्लम हो जाता है, हम अपने जीवन में भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम रिलेशनशिप्स में यही प्रॉब्लम है। थोड़ा सा सहन करना सीख जाएंगे, ऑफकोर्स सहन करना बहुत डिफिकल्ट है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण पहला टीचिंग्स बता रहे हैं, वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट। जैसे हम शीत और ग्रीष्म ऋतु को टॉलरेट करते हैं, चला लेते हैं भाई ये समय भी चला जाएगा, उसी तरह से रिलेशनशिप में भी किसी के खराब गुणों को, दुर्गुणों को, अगर हायर गोल है दिमाग में कि मुझे भगवान कृष्ण के धाम में जाना है, ये किसी का नेचर ऐसा है वैसा है, नेचर समझ लीजिए, पीपल विल नॉट बी एबल टू चेंज, एटलीस्ट आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, किसी और को तो मैं चेंज कर नहीं सकता, मैं चाह रहा हूँ कि वो चेंज हो जाए, पहले मैं खुद को तो चेंज करूँ, फिर ना कोई दूसरा व्यक्ति चेंज होगा। तो पहले स्टार्ट कीजिए अपने से, लर्न टू टॉलरेट। और इंद्रदेव ने भी वही प्रॉब्लम हुआ, टॉलरेट नहीं कर पाए, एकदम गला काट के खत्म कर दिया। सोचिए पहले ऑलरेडी एक बार क्या किया है, बृहस्पति का उन्होंने अपमान किया था, तब जाके उनको ऐसे सिचुएशन मिली, क्या कि उनके उनके ऊपर असुरों का अटैक कर दिया, अब तो वो डायरेक्टली गुरु हत्या ही कर दी, गुरु हत्या से बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। यार फंस गया, अरे यार फिर से फंस गया, अब क्या करूं, अब व्हाट शुड आई डू, अब वो पश्चाताप करने लगे। उसी समय उनको पाप, ही बिकेम सो मच सिंफुल, उनके ऊपर इतना पाप का बोझ आया कि उन्होंने फिर लास्ट में चार लोगों को, देयर इज अ मेंशन कि चार लोगों को उन्होंने अपने पाप का भागी बनाया। तो धरती पे उन्होंने पाप का कुछ पोर्शन दिया, जिस जगह पे उन्होंने धरती का अपने पाप का पोर्शन दिया वो जगह मरुस्थल बन गई, जैसे राजस्थान सहारा डेजर्ट ये सब मरुस्थल बन गए, वहां पे उन्होंने पूरी तरह से मरुस्थल बन गया। दूसरा पेड़ों को उन्होंने पाप का भागी बनाया, तो पहले पेड़ों को काटने से भी हम पानी पी सकते थे, लेकिन उनके पाप का भागी ऐसे हो गए कि पेड़ों को काट के हम पानी नहीं पी पाएंगे, दे बिकम अपवित्र, उनके अंदर का जो सैप है दैट बिकम फुल्ली अपवित्र। कुछ पाप का भागी उन्होंने स्त्रियों को दिया कि उनको चार या पांच दिन का जो मासिक धर्म आता है, ये सब इंद्र के उस पाप का फल है कि उस पाप की वजह से इंद्रों को, इंद्र ने उन्होंने उनको ये मासिक धर्म का जो ये है, दैट इम्प्योरिटी ही हैड गिवन देम, एंड अनदर वन मोर थिंग इज देयर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो ये चार उन्होंने चार लोगों का भागी बनाया, लेकिन उनको कुछ वरदान भी दिए, उनको इन चारों लोगों को उन्होंने कुछ वरदान भी दिए, तो ही गेव स्पेसिफिक बेनेडिक्शंस आल्सो, भले ही उन्होंने पाप शेयर करने के लिए उनको ये सारी चीजें दी, बट ही गेव सम स्पेशल बेनेडिक्शंस आल्सो, तो दिस इज ऑल देयर इन सिक्स्थ कैंटो। तो एक बार ऑलरेडी गुरु का इन्होंने ऐसा अपमान कर ही दिया था, फिर से आप क्या करें, फिर अभी ऑलरेडी किसी तरह से पश्चाताप तो कर लिया क्योंकि ना जानते हुए अपराध हो गया था, ना जानते हुए अचानक उन्होंने अपने गुरु का विश्वरूप का गला काट दिया था। इस बार एक और घटना होती है, अब उनके जो पिता थे कौन, त्वष्टा, हमने बताया त्वष्टा देव कुल से थे, अब त्वष्टा का दिमाग इतना खराब हो गया, तुमने मेरे बेटे की हत्या की, आई विल क्रिएट अ असुर, मैं यज्ञ कुंड से ऐसा असुर तैयार करूंगा, ऐसा असुर तैयार करूंगा कि उस यज्ञ कुंड से निकलता हुआ असुर सीधा जाएगा और ही विल किल देवराज इंद्र। तो वहां पर उन्होंने मंत्र
तो उच्चारण किया लेकिन मंत्र में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इंद्राय शत्रवे ऐसा कुछ उन्होंने ये किया। तो करना यह था कि इंद्र जिसका शत्रु हो, तो उल्टा ये हो गया कि जिस एक्चुअली मंत्र का उच्चारण ऐसा हुआ कि जो जो इंद्र को मारेगा, वो चाह रहे थे ये बोलना, लेकिन अल्टीमेटली हो गया जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। तो मंत्र में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इंद्र मतलब आ की मात्रा थोड़ा लंबा खींच दिया उन्होंने। तो ये एक और प्रॉब्लम है कर्मकांड का कि कर्मकांड में आप जो भी जैसा भी काम करोगे एकदम परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा अगर इधर उधर यज्ञ में इधर उधर हो जाए तो वो पूरा का पूरा ऑपोजिट रिजल्ट लाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में अगर आप नाम जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं कभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा अरे रामा, ये रामा कौन है, भगवान का नाम तो राम है, तो कभी रामा बोलते हैं, कभी कृष्ण, अभी गुजराती लोग हरे कृष्ण कृष्ण, अभी कृष्ण कृष्ण करेंगे, या फिर चाइनीज लोग हरे कृष्णा कृष्णा, उनका रा है ही नहीं, कृष्णा कृष्णा करेंगे, है ना। या फिर बंगाली में अगर बंगाल में आएंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु कैमन आछेन, एरकम एरकम बोलबे। तो हरे हरे को हरे कर दिया उन्होंने, है ना, कृष्ण को कृष्ण। तो बेसिकली आप भगवान कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं ना, कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, उनके लिए ये कर्मकांड के ऐसे मंत्रों उच्चारण का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कृष्णा करो, या कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है, या फिर अर्जुन का भी नाम कृष्णा, कृष्ण के जो सखा है वो उनका नाम है, लेकिन आप कृष्णा करो भगवान समझ जाएंगे ये मेरा ही नाम ले रहा है, चिंता मत करो, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा आपको, डोंट वरी। लेकिन इनके साथ उल्टा हो गया। तो उन्होंने एक ऐसे असुर का नाम क्रिएट किया, ऐसा असुर था भयानक असुर, इनकी आंखें एकदम आंख से कॉपरी आईज, कॉपरी रेड हेयर्स, ऐसे भयानक असुर। ये भले ही असुर था जिसने देवराज इंद्र के साथ युद्ध किया, लेकिन ही वॉज अ डिवोटी, पिछले लाइफ में ये चित्रकेतु महाराज थे, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड संकर्षण। पार्वती के अभिशाप के कारण उनको एक असुर की योनि मिली, लेकिन उस असुर की योनि को भी उन्होंने एकदम नमन करते हुए स्वीकार किया। इसकी पुरानी कहानी है, छठवा स्कंद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, जिसने पढ़ा है उसको पता है। तो बाद में हम चर्चा करेंगे चित्रकेतु महाराज की पिछले जीवन की कहानी, बट यहाँ पर जो हो रहा है, उन्होंने देवराज इंद्र के साथ युद्ध किया, लेकिन इसी समय उनको समझ में आया था कि इसके साथ युद्ध करने के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आकर देवराज इंद्र को उन्होंने एक स्पेशल वेपन दिया था। किसी को याद है विच वेपन ही गेव टू फाइट विद वृत्रासुर, ये आपको पता होगा, कुछ एक स्पेशल किसी को याद है, हाँ यस, सोमनाथ प्रभु तमोगुण प्रभु, वज्रो वज्र दिया उन्होंने। तो वो किसके पास गए, कौन से ऋषि के पास, विच ऋषि, दधीची, यस दध्यंच, दध्यंच का जो उनके दधीची ऋषि के पास गए, यस शोभिक साहू प्रभु, थैंक यू सो मच, शोभिक इज वेरी मच इंटरेक्टिंग टुडे, ओके दधीची, चेतना माता जी, सोमनाथ प्रभु। तो दधीची ऋषि के पास जाते हैं और दधीची ऋषि उनको पहले बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लास्ट में आके उन्होंने अपना उनका शरीर की अस्थियां दे दी, रिब से पूरा वर्टिब्रल कॉलम से उन्होंने ये बनाया था, और विष्णु ने बोल दिया था भाई चिंता मत करो, ये जो असुर है इससे मारा जाएगा, चिंता मत करो। और इसी समय देवराज इंद्र को ये जो बहुत सारे उनके उनके मंत्रालय में उनके मिनिस्ट्री में बहुत सारे ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों ने भी बोला ए देवराज इंद्र आप चिंता मना करें, हम आपके लिए, भले ही ये भी एक ब्राह्मण है, देखिए त्वष्टा ब्राह्मण थे, उनके बेटे विश्वरूप, पहला बेटा जो विश्वरूप था वो भी ब्राह्मण था, तो वो ब्रह्म हत्या भी था, गुरु हत्या भी थी। अभी इनका जो भाई है ये भी यज्ञ से भले ही निकला है लेकिन त्वष्टा का ही तो पुत्र है, ये भी तो ब्राह्मण है, और ये तो भक्त भी है, सबसे बड़ा चीज ये भगवान का, कृष्ण का इतना बड़ा भक्त है। इनके बीच में ऐसे ऐसे वार्ता, ऐसे ऐसे श्लोक चल रहे थे, अहम हरे तव पादैक मूलो दासानु दासो भवितास्मि भूयः, है ना, इस तरह से बहुत सारे श्लोक आते हैं। तो वृत्रासुर ब्राह्मण है और उनके जो देवराज इंद्र की मिनिस्ट्री में कुछ ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने देवराज को बोला आप चिंता ना करें देवराज, हम आपके लिए ऐसा यज्ञ करेंगे, आपके सारे कर्मों के फलों से हम मुक्ति कर देंगे, दे देंगे आपको, चिंता मत कीजिए, आप आपके लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे, लेकिन अब जाके आप इस असुर का विनाश कीजिए। सोचिए, देखिए दोनों सिचुएशन को मैं कंपेयर करूंगा, पहला वाला कल्प सिचुएशन अजामिल का सिचुएशन था, उन्होंने भी क्या करने की कोशिश की, उन्होंने भगवान का नाम लिया निस्सहाय अवस्था में, और यहां पर भी ये पंडित लोग बोल रहे हैं उनके, देवराज इंद्र के, आप पहले मार दो फिर हम लोग आपके लिए यज्ञ करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे, आपके पापों से हम मुक्त कर देंगे आपको, चिंता मत कीजिए देवराज इंद्र, आप जाके युद्ध कीजिए। तो भले भी ना चाहते हुए भी उनको समझ में आ रहा था ये तो देख के लग रहा है असुर है, लेकिन इस कहानी में एक्चुअली कौन था, ये असुर भले असुर थे लेकिन ये भक्त थे, और यहाँ पे ये देवराज इंद्र, भले ही देवराज इंद्र है
देवता है, लेकिन ये एक तरह से मिश्रित भक्त, काम वासनाओं से भरे हुए भक्त की तरह कार्य कर रहे हैं। थोड़ा इनके अंदर मोटिवेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप के मोटिवेशन, तो ये हम समझ सकते हैं कि बाहरी दृष्टि से जो जैसा दिखता है वो हम समझ नहीं सकते कि अंदर से कौन है। ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, चित्रकेतु थे। तो अंत में जाके उन्होंने इनको मारा। एक साल तक, इट इज सेड कि एक साल तक उनका गला काटते रहे, तब भी जाके कटने रहते। ऑफकोर्स ये भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने ऑलरेडी शरीर छोड़ दिया था, तो लास्ट में इसी वज्र के द्वारा उन्होंने उनकी उनका वध किया। और भगवान, ये तो भगवान के धाम में चले गए। देखिए, यही इज अ हीरो, अनसंग हीरो ऑफ भागवतम, वृत्रासुर। भगवान का स्मरण करते हुए बोलते हैं कि मैं भगवान, मैं कब आपके पास जाऊंगा। युद्ध लड़ते हुए ऐसे ऐसे श्लोक मार रहे हैं कि मैं भगवान, मैं चाहता हूँ आपके पास जाने के लिए, प्लीज इंद्र मारो मुझे, मारो मारो मुझे। तो ऐसा उन्होंने युद्ध किया। अब देखिए, इस पाप के भय से भले ही ब्राह्मणों ने कहा कि हम आपको पापों से मुक्त कर देंगे, तो आपको क्या लगता है वो पापों से मुक्त कर पाएंगे? यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जानबूझकर भगवान का नाम की शरण लेकर उन्होंने इंद्र को कहा, वी विल मेक यू लिबरेटेड फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस। भगवान का नाम ले लेंगे, आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी अगर जानबूझ के कोई अगर पाप करता है और सोचता है कि मैं तो नाम जी जप कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत चार नियम तोड़ूंगा और नाम भी जप कर रहा हूँ, मेरे चार नियमों का पाप मेरे से मुक्त हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड नाम अपराध। सप्तम नाम अपराध जो है, नामनो बलाद यस्य हि पाप बुद्धि। नाम का आश्रय लेके, भगवान का आश्रय लेके आप मुर्गी का गला काट रहे हो। अरे भाई, मुर्गी खा लेता हूँ, भगवान का नाम लूंगा, धुल जाऊंगा। दिस इज समथिंग लाइक मच मोर सीवियर ऑफेंस। अगर कोई ना जानकर अगर कोई ऐसा पाप कर रहा है तब तो उसका पाप धुल जाएगा, लेकिन जानबूझ के करेगा कोई तो दिट इज मच मोर सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस। तो इंद्र ने भी ऐसा कार्य किया कि वो ने इंद्र के ये जो उनके पंडित थे, उनके ब्राह्मण थे, उनके पीछे वर्चुअली पाप पुरुष स्वयं है ना, एक देवी, एक स्त्री थी, ये जोखा नाम जाने बांग्ला थे, जोखा माने ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस पर्सनिफाइड फॉर्म में आ गई है ना, कि टीबी इन द पर्सनिफाइड फॉर्म। उसके देखिए, उसके वक्ष स्थल पे या फिर देख रहे हैं पूरा मुख से थूक निकल रही है, लार निकल रही है, इतना मतलब फुल्ली ट्यूबरक्लोस, मतलब खून वून पूरा लथपथ है। और ये पीछे इसके भागी, इनके देवराज इंद्र के, और देवराज इंद्र हर जगह भाग रहे, कहीं तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, किधर बचाओ, इससे कौन बचाएगा मुझे, इस पाप से कौन बचाएगा। ये तो ब्रह्म हत्या का पाप और भी सीरियस था, विश्वरूप को मारने से भी ज्यादा सीरियस था। अंत में जाके ये पूरा त्रिभुवन घूमते रहे, तब भी जाके निकल नहीं पाए। लास्ट में जाके ये कैलाश मानसरोवर, नाम पता है आप लोगों को, कैलाश मानसरोवर, कोई अगर गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो मानसरोवर के अंदर डुबकी मार दिया उन्होंने, डुबकी मार के जैसे ही वो अंदर घुस गए, अब बैठे हुए थे, उन्होंने एक शरण ली किसकी, तो वहां पर 1000 साल तक देवराज इंद्र ने तपस्या की अपने पापों से मुक्त होने की। सोच सकते हैं, एक ऐसा पाप किया और पानी के अंदर वो बैठे हुए हैं, किसके अंदर, लोटस। हमने स्टार्ट किया आज लोटस का जो स्टॉक होता है, जो नीचे का जो स्टेम होता है, उसके अंदर उन्होंने शेल्टर ली। तो बोलते हैं क्योंकि लक्ष्मी देवी उनको पर्सनली प्रोटेक्ट कर रही थी, लक्ष्मी का निवास होता है कमल में, लक्ष्मी देवी ने उनको रक्षा की, और इसीलिए पाप बाहर से कुछ कर नहीं पा रही थी। वो जोखा, दिस यक्ष, मतलब दिस डिजीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, शी वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इस तरह से 1 साल तक उन्होंने भगवान का नाम जप किया, बहुत कोशिश की, भगवान प्लीज मुझे निकालिए इस पाप से। तो 1000 साल तक वो अपने पोस्ट पोजिशन से निकले हुए थे। तो सोच सकते हैं ऐसा सिचुएशन, जो देवराज इंद्र हैं वो व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। 16, 17 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, इवन इंटेलिजेंट पीपल बिकम बिविल्डर्ड। अरे देवराज इंद्र की असेंबली में जो ब्राह्मण लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। वो सोचे कि हम यज्ञ करेंगे, तुम्हारे पाप के फलों से मुक्ति कर देंगे। नो सर, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट। हमें शास्त्र, इट इज कर्मस धर्मस, लाइक धर्म की परिभाषा को समझना बहुत ही मुश्किल है, इसे कोई साधारण भाषा में नहीं समझ सकता। तो ये हमने दो कॉन्ट्रारी एग्जांपल्स लिए, एक तो अजामिल का, जिसने अनजाने में भगवान का नाम लिया, नहीं जानता था कि मैंने भगवान अपने पापों को प्रायश्चित के हिसाब से नहीं किया उन्होंने, लेकिन इस तरफ, दूसरी तरफ देवराज इंद्र हैं, जानबूझ के भगवान का नाम लेना चाहते हैं ताकि मैं अपना पाप करूं, उसके बाद अपने आप को धो लूं, इसीलिए उल्टा रिएक्शन हो जाता है उसका। तो अभी तीसरा एक और कहानी हम लेने वाले हैं। देखिए, एक इसी तरह की एक और कहानी है, इट इज मेंशन्ड इन शास्त्र। एक ब्राह्मण था, और एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, आप लोगों ने सबने सुनी होगी, कि एक ब्राह्मण और एक वैश्य स्थिति स्त्री बहुत आसपास में रहते थे, प्रोस्टिट्यूट एंड ब्राह्मण, बहुत घर के आजू बाजू में रहते थे। तो एक ब्राह्मण देखता था हर दिन पूजा अर्चना सब कुछ कर रहा है,
और मन ही मन सोच रहा है ये वैश्या कितनी गिरी हुई है, क्या क्या कर्म कर रही है, कैसे कैसे कार्य कर रही है, देखो मैं कितना महान हूँ और ये कितनी बुरी स्त्री है, किस प्रकार के खराब कर्मों में लिप्त है। हमेशा हमेशा इस स्त्री को क्रिटिसाइज कर रहा था मेंटली। और दूसरी तरफ वो जो वैश्या स्त्री थी उसको हमेशा ये ग्लानी रहती थी कि अरे मैं क्या कार्य कर रही हूँ, मुझे अपनी आजीविका के लिए ऐसा कार्य करना पड़ रहा है, आई एम रियली वेरी मच मिजरेबल इन दिस सिचुएशन, मुझे क्या करना चाहिए। वो ब्राह्मण को देखती थी और उसको उसके मन में इतने अच्छे एक विचार आते थे कि देखिए भगवान का भक्त है, वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के लिए यज्ञ कर रहा है, मैं इतनी गिरी हुई हूँ। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, दोनों जब इस संसार से चले गए, वो ब्राह्मण व्यक्ति उसको क्या डेस्टिनेशन मिला, ही गोज टू हेल, नर्क में जाता है। और वो जो स्त्री थी, दूसरी वाली जो स्त्री थी, प्रोस्टिट्यूट थी, भले ही वो प्रोस्टिट्यूट थी लेकिन चूंकि हमेशा वो अपने मन में ग्लानी की भावना थी, एंड शी वॉज रियली लैमेंटिंग फ्रॉम इनसाइड, एंड शी वॉज मेडिटेटिंग ऑन दिस ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुणों को मेडिटेट कर रही थी, उस नेक्स्ट लाइफ ही शी गोज टू हेवन। सोचिए, तो हमें समझना बहुत मुश्किल है, धर्मस्य मतलब धर्मों की चीजों को समझना इतना आसान नहीं है, क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह से एक और कहानी आती है, मे बी 10-15 मिनट्स वन मोर आई विल नीड, तो जहां पर ये कहानी आती है भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी आप लोगों ने आपको बताना चाहेंगे। एक बार की कहानी है कि ये आप लोगों को गोपियां दिख रही हैं, अष्ट सखियां, मोस्ट प्राइमरी गोपीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी गोपियां हैं, ठीक है, 10,000 करोड़ गोपियां उनके साथ भगवान श्री कृष्ण ने महाराज लीला रचाई। क्या बोल रहे हैं, इतने हजार करोड़, क्या बात कर रहे प्रभु जी, मतलब यस, हम गन्ना भी नहीं कर सकते, इतनी गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो एक्चुअली जब भगवान की लीला हो रही थी, महाराज की लीला हो रही थी, तो उस लीला में देर आर मेनी गोपीज, नॉट वन। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि कितनी कितनी गोपियां हैं, तो देर आर मेनी गोपीज। तो वन सेकंड, तो कृष्ण की गोपियों में भी बोला जाता है गोपीज, हाउ मेनी टाइप्स, एक तो है गोलोक वृंदावन की से, डायरेक्टली गोलोक वृंदावन से आई थी कुछ गोपियां, कुछ लोग इस जगत की नहीं थी, गोलोक वृंदावन से आई थी, कुछ लोग भौम वृंदावन में जिन्होंने जन्म लिया था वो लोग थी, कुछ लोग पिछले जन्म में राम जी के समय से ऋषिचारी गोपियां, आप लोगों ने सुना होगा राम जी के समय में दंडकारण्य वन में बहुत सारे ऋषि राम जी को मिले थे, उनकी इतनी भगवान कृष्ण को, भगवान राम जी को देख के इतनी आसक्ति हो गई, उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान आपके आपके हम पत्नियां बन के आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, राम जी ने बताया था, इस जन्म में मैं एक पत्नी बता रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम लोग मेरी गोपियां बन के आना। और कुछ और गोपियां भी थी जिन्हें कहा जाता है श्रुतिचारी गोपी, श्रुतिचारी सॉरी गोपी हो गई, दिस आर ऑल गोपीज, राइट, दिस आर ऑल गोपीज। तो ये जो गोपियां हैं ये कौन है, ये साक्षात श्रुतियों का, श्रुति हमने पता है वेद दो भागों में डिवाइडेड है, वेद आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति के अंदर क्या क्या आ गए, चार वेद आ गए, उपनिषद आ गए, सो मेनी स्क्रिप्चर्स। तो ये श्रुतियां कौन थी जो कि वेद, अगर आप लोगों ने 10th canto श्रीमद भागवतम पढ़ा है वहां पे साक्षात वेद आके स्तुतियां कर रही है, कर रहे हैं आप लोगों को, वो लास्ट चैप्टर ऑफ 10th canto श्रीमद भागवतम 90th चैप्टर, वहां पर वेद आके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, लास्ट की तरफ ही है वो चैप्टर। तो ये गोपियां कौन है, ये वो वेद हैं, वो ऋषि, वो उपनिषद हैं जो भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में चाह रही थी या फिर भगवान कृष्ण के साथ रासलीला रचाना चाह रही थी। तो उनके साथ ये स्पेशल घटना घटती है, ये जो आज हम घटना बताने वाले हैं, तो ये भी कुछ स्पेशल घटना है कि देखिए धर्म इनके बारे में हम थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे। तो एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार रासलीला के लिए आने वाले थे, तो उनके लिए थोड़ा गोपियों के साथ मिलने में थोड़ा लेट हो गया, विलंब हो गया। तो उस समय गोपियों ने पूछा, अरे भाई तुम कहाँ रह गए, तुम हम लोगों से मिले क्यों नहीं, इतना लेट क्यों कर दिया। तो कृष्ण बोलते हैं, अरे वो क्या हो गया, एक्चुअली मेरे घर पे थोड़ा दुर्वासा मुनि आ गए थे। तो दुर्वासा मुनि का तो पता ही है आप लोगों को स्वभाव, बहुत गुस्से में रहते हैं, भगवान श्री शिव जी के रुद्र के एक अंश, मतलब रुद्र का भाव है उनके अंदर, ही इज द एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो गुरु दुर्वासा मुनि की सेवा करने में थोड़ा मेरे को विलंब हो गया। तो अभी गोपियों ने जब सुना, अच्छा दुर्वासा मुनि आए, हमने तो बहुत सुना है उनके बारे में, बहुत नाम गान सुना है उनका, हम भी उनकी सेवा करना चाहती हैं, प्लीज हमें बताइए दुर्वासा मुनि मिलेंगे कहाँ हमें। ये कहानी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुनी होगी भारतवर्ष में, तो फिर से मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कृष्ण ने बोला, अच्छा वो नदी के उस पार में रहते हैं, बेल वन, आप लोग अगर व्रज में गए हैं, 12 वन है, 5 वन इस साइड में है, पूर्व में है, 7 वन पश्चिम में,
तो बेल वन एक जगह आता है जहां पर अभी भी लक्ष्मी देवी बेल वन के अंदर, मतलब गोपियों के रासलीला में लक्ष्मी देवी भी एंटर नहीं कर पाती है। वो बेल वन से दर्शन कर रही है दूर से कि मुझे कब एंट्री मिलेगी, उनको सिर्फ दूर से देखने का एंट्री मिला है, क्योंकि लक्ष्मी देवी ऐश्वर्य भाव में है और गोपियां माधुर्य भाव में, बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण की सेवा करने में तत्पर है। लक्ष्मी देवी गोबर नहीं उठा सकती, गोबर के कंडे नहीं उठा सकती, तो ये कारण है। जब भी हम वृंदावन यात्रा में जाएंगे तब हम जरूर सारे वनों के बारे में बताएंगे। तो ये बेल वन में दुर्वासा मुनि रह रहे थे, अभी भी बेल वन में दुर्वासा मुनि का आश्रम है जिस जगह पे वो रह रहे थे, जिस वृंदावन में जब आए थे वो। तो वो बेल वन में अभी जाएंगे कैसे, ये लोग तो वृंदावन में थे, नदी क्रॉस करके जाना है, तो कैसे जाएं, पर पूरा पानी यमुना का पानी है। तो कृष्ण ने बताया, चिंता मत करो हे देवियों, आपको मैं दुर्वासा मुनि के पास जाने का उपाय बता रहा हूं। आप लोग क्या करो, आप यमुना के पास जाना और यमुना से प्रार्थना करना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, तो हे यमुना देवी प्लीज मेरे सामने रास्ता दीजिए, प्लीज गिव अस सम वे। और गोपियों ने 56 भोग लेके गई थी, 56 भोग ले आने का प्रयास किया था, सब लेके गई और उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट के लिए सोचा, अच्छा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, हम लोग के साथ तो घूमते रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई। एंड कृष्ण रियली डिड दैट, और उन्होंने देखा पूरा यमुना दो भागों में डिवाइडेड हो गई और गोपियां पूरी तरह से अंदर से चली गई और उस पार में चली गई और फिर दुर्वासा मुनि के पास गई। दुर्वासा मुनि को भर पेट एकदम, सोच सकते हैं दुर्वासा मुनि का क्या स्वभाव है, दुर्वासा मुनि को एकदम आराम से मक्खन एकदम 56 भोग खिलाए गोपियों ने, और गोपियों का जब भोग खाया 56 भोग, तो दुर्वासा मुनि एकदम संतुष्ट हो गए। फिर गोपियां बोली, अच्छा आपको तो खिला तो जिया, और गोपियों ने एकदम हाथों से खिलाया, गोपियां भी बहुत बालिकाएं थी, तो बाबा को एकदम अच्छे से खिला पिला के बहुत अच्छे से संतुष्ट किया, दुर्वासा मुनि बहुत संतुष्ट हो गए। तो अंत में गोपियां बोलती हैं, अच्छा आप रिटर्न कैसे जाएंगे, रिटर्न वे के लिए तो हम लोगों ने अभी नौका वौका कुछ है नहीं, क्या करें। दुर्वासा मुनि ने बोला, चिंता मत करो, तुम यमुना के पास में जाना, यमुना से ये प्रार्थना करना, क्या कि यदि दुर्वासा मुनि, दुर्वासा नाम है ना दुर्वासा, तो यदि दुर्वासा दुर्वा घास के रस पीकर अगर रहते हैं, यदि दुर्वासा मुनि दुर्वा घासेर रस खे जो थाके और कभी भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते, ये बस प्रार्थना करना है यमुना से कि अगर दुर्वासा मुनि दुर्वा का रस पान करके रहते हैं, अन्न जल करके खाके नहीं रहते, तो प्लीज हमें क्या कीजिए, रास्ता दीजिए, हे यमुना देवी रास्ता दीजिए। तो जब ये प्रार्थना सुनी फिर गोपियां कंफ्यूज हो गई, भाई ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने भी फिर से एक्सपेरिमेंट किया, तो जैसे ही वो गई देखते हैं कि पूरा यमुना देवी ने दो भागों में विभाजित हो गई, एंड देन दे वेंट अहेड, वो आगे जाती है। अब पूरी तरह से दिमाग कंफ्यूज हो गया, ठीक है, पूरी तरह से दिमाग कंफ्यूज हो गया। वो आगे जाके कृष्ण से पूछती है, हे कृष्ण, हमें पहले तो बात तो समझ में नहीं आया, आपने जब पहली बार बोला कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो, अरे आप तो हमारे साथ बचपन से हमारे साथ रासलीला कर रहे हैं, हमारे साथ हम घूमते फिरते हैं, हमारे साथ रासलीला करते हैं, तो ये कैसे संभव है। और उस तरफ दुर्वासा मुनि को हमने भरपूर खिलाया और वो बोलते हैं दुर्वा घास का पानी रस पी के रहते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। तब कृष्ण बहुत सुंदर एक श्लोक बताते हैं, तो कृष्ण सेस, एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे, तो मैं उसका मैं अर्थ बताऊंगा। तो नेक्स्ट ही सेस 3 श्लोकास फ्रॉम भगवद्गीता। तो ये पूरी कहानी आती है कहाँ पर, गर्ग संहिता में आती है, ये जो मैं बता रहा हूँ। तो वो 4th चैप्टर 21 नंबर श्लोक बताते हैं कि देखो एक्चुअली 4th चैप्टर में ये मनाता है कि जिसके मन में, कृष्ण बताते हैं 4:21 में, देखो दुर्वासा मुनि और मेरे अंदर में क्या डिफरेंस है, मैं भले ही मैं भगवान हूँ, मैं गोपियों तुम्हारे प्रति आसक्त नहीं हूँ, डोंट थिंक दैट आई एम अटैच्ड टू यू, आई एम ऑलवेज अ बाल ब्रह्मचारी, जस्ट बिकॉज यू आर सर्विंग मी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम्हारी इच्छा है मुझसे सेवा, मेरी सेवा करने की, मेरे को प्रेमी के रूप में चाहने की, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बन रहा हूँ, आई एम नॉट अटैच टू यू, आई एम ऑलवेज डिटैच्ड, मेरे को इस संसार में किसी से आसक्ति नहीं है, बस तुम्हारे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए मैं तुमसे बस ये डिलीज कर रहा हूँ। और उसी तरफ दुर्वासा मुनि, ही इज ऑल्सो डिटैच्ड पर्सन, उनके पास आज तुम 56 भोग लेके गई हो तो वो उन्होंने ग्रहण कर लिया, जो भी विधि ने भेजा वो ग्रहण कर लिए, और जब कुछ नहीं आता है वो हवा खाके भी रहते हैं, डोंट वरी दैट ही इज अटैच्ड टू समथिंग। तो वो ये 3 श्लोक बताते हैं, 4:21 अभी ये इसके बाद ही आने वाला है, कि ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप में संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है और अपनी संपत्ति के बारे में स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है, इस तरह से कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता, पाप से कभी प्रभावित नहीं होता। दूसरा श्लोक गर्ग संहिता में ही आता है, दूसरा श्लोक भगवद्गीता का ही वो वहां कोट करते हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है, नथिंग इज मोर प्योर देन दिव्य ज्ञान। तो
ज्ञान के समान पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। और ये उन्होंने श्लोक पूरा कोट किया। और थर्ड श्लोक उन्होंने जो कोट किया, फिफ्थ चैप्टर 10th नंबर श्लोक, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह काम कर, पाप कर्मों में उसी प्रकार से अप्रभावित रहता है जिस प्रकार आज का जो सेक्शन था क्या, कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कमल जल में भी रहता है लेकिन जल के ऊपर रहता है। दिस इज व्हाट, दिस इज योगा कर्मसु कौशलम। कार्य करना है लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए करना है। तो देखिए, ये जो हमने बताया, ये जो गोपियां थी, ये कौन है? ये श्रुतिचारी है, ये वेदों का पर्सनिफाइड फॉर्म है। लेकिन ये वेद होने के बावजूद इनको समझ में नहीं आ रहा कि भगवान कृष्ण का ये जो रहस्य, ये कैसे समझे। तो आज का श्लोक हमने कैसे शुरू किया था कि 16, 17, 18 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कर्मों के रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड सिमिलरली आगे एक और कहानी है जिसमें एक और सिमिलर ऐसी कहानी होती है, दक्ष प्रजापति की। तो अभी शिवरात्रि आने वाली है, शिव जी के हम सब भक्त हैं, शिव जी जैसे परम वैष्णव हो ही नहीं सकते कोई, ही इज सच अ ग्रेट वैष्णव। इनकी दिस इज लास्ट केस स्टडी फॉर टुडे। ये केस स्टडी हो जाने के बाद आज समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चार केस स्टडी जिसमें हम देख सकते हैं कि कर्मों का फल इतना बुद्धिमान व्यक्ति होने के बावजूद कोई नहीं समझ सकता, तो हमें कैसे समझना है। तो ये आज का सेशन टू बी कंटिन्यूड होने वाला है नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आज जैसे खत्म होगा, आज कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट सेशन में और भी डिटेल एनालिसिस होगा। और आने वाले सेशंस तो भरपूर, नेक्टर ऑफ डिवोशन से हम कर्म, लॉ ऑफ कर्मा को समझने वाले हैं कि किस प्रकार से कर्म काम करता है, पाप कर्म क्या होता है, कूटम क्या होता है, बीजम क्या होता है, अप्रारब्ध कर्म क्या होता है, प्रारब्ध कर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आजकल अभी डिस्कशन में आने वाली है। तो ये शिव जी का जब विवाह होता है, तो शिव जी दक्ष प्रजापति ने सोचा कि शिव जी मेरे से नीचे है। क्यों? अरे उनको समझ में नहीं आ रहा था, शिव जी भगवान कृष्ण के इतने भक्त हैं। वो उन्होंने सोचा कि चूंकि मैं भी ब्रह्मा का पुत्र हूँ, शिव जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, और मेरी बेटी का विवाह, अभी वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह शिव जी से हो, क्योंकि शिव जी और भी बड़े भक्त हैं, और वो सोचते थे मेरे से बड़ा कोई ग्लोरीफाइड व्यक्ति है, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। लेकिन सती जानबूझ के उन्होंने विवाह किया शिव जी से, वो पार्वती स्वयं है, तो वो नहीं चाहते थे, ना चाह के भी विवाह हो गया शिव जी से। तो अभी उनको लगने लगा क्योंकि अब वो मेरा जमाई बन गया है, दैट मीन्स ही इज इन्फीरियर टू मी, वो मेरे से नीचे है, तो उन्हें हमेशा मुझे सलाम करना चाहिए। तो ऐसे एक घटना होती है, ऑल ऑफ अ सडन एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति की सभा चल रही थी उस समय, देवताओं की सभा चल रही थी, और उस समय ब्रह्मा जी भी बैठे थे, शिव जी भी बैठे थे। तो ब्रह्मा जी तो दक्ष प्रजापति के एक तरह से पिता है, तो उस समय दक्ष प्रजापति एंट्री करते हैं उनकी सभा में। तो सभा में जैसे एंट्री करते हैं, सारे देवता लोग खड़े हो गए, क्योंकि वो एक तरह से प्रजापति थे। हमने बताया लास्ट थर्ड चैप्टर में प्रजापति का डेफिनेशन, प्रजाओं की सृष्टि जो करते हैं वो है प्रजापति। तो वो अपने आप को सोच रहे थे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे शास्त्र पता है, मुझे मेरे गुरु ब्रह्मा जी है, आई नो सो मेनी थिंग्स। तो ब्रह्मा जी सीट से नहीं उठे, और उस समय शिव जी भी सीट से नहीं उठे उनके सम्मान में। तो यहाँ पर एक्चुअली बात ये हो रही थी, उस समय शिव जी, वो तो भगवान के रस में इतने ये हैं, दिस स्टोरी कम्स इन थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम। तो उस समय शिव जी याद कर रहे थे भगवान श्री हरि को, हरि के नाम में इतना ये थे कि अरे सभा में कुछ भी चल रहा है, ही इज ऑब्लिवियस, वो एकदम ऊपर है, हर चीज के ऊपर है। तो उस समय शिव जी ध्यान लगा रहे थे विष्णु के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, और लगाते 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 उस समय एंट्री मार दिया ये उनके ससुर जी। अब उनको बाई एटिकेट ही शुड हैव स्टूड अप, उनको भी पता है कि मुझे ससुर जी आए तो उठना चाहिए, लेकिन वो ध्यान किस पे लगा रहे हैं, भगवान श्री हरि पे। और जब हरि पे कोई ध्यान लगा रहा है तो किसी और को क्या सम्मान देने की आवश्यकता, वो तो ऑलरेडी सम्मान दे ही रहे हैं। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आई, उन्होंने एक्सटर्नली देखा ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, वो मेरे पिता है, लेकिन ये तो मेरा भाई है, लेकिन ये मेरा जमाई भी हुआ है, तो ही शुड, इन द सेंस कि मानस पुत्र थे शिव जी, ये मेरा जमाई भी हुआ, ही शुड बी पेइंग ऑबिसेंसेस टू मी, मेरा प्रणाम करना चाहिए, आई ही डजंट नो हु आई एम, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ। इस तरह से उन्होंने ऐसा अपमान किया कि nobody can imagine। हमेशा सती के साथ, मतलब सती को सहना पड़ता था कि उनके जो पिता हैं हमेशा भली खरी खरी खोटी सुनाते रहते शिव जी को। तो एक समय की बात है, एक बार इतने envious हो गए शिव जी से दक्ष प्रजापति कि उन्होंने एक बार यज्ञ किया, बहुत बड़ा राज वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया। वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, वाजपेयी बहुत बड़ा यज्ञ होता है, वेरी पावरफुल यज्ञ। उस समय उन्होंने जैसे ही उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करते करते उन्होंने सबको आमंत्रित किया, सारे देवताओं को आमंत्रित किया, शिवजी के लिए कोई आहुति नहीं रखी उन्होंने, सबके लिए वो आहुति दे रहे थे, शिवजी को आहुति नहीं दे रहे थे, मैं शिवजी को एकदम आहुति नहीं दूंगा। उस समय सती देवी
जाती हैं अपने पिताजी के पास, क्योंकि मेरे पिताजी इतना सब कुछ यज्ञ कर रहे हैं, शिवजी ने बोला डोंट गो, मुझे समझ में आ रहा है कुछ अघटन होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। आज भी अगर आप हरिद्वार जाएंगे, वहां पर एक स्थान है कनखल, अगर आप लोग गए हैं कनखल, वहां पर ये घटना घटी थी, ये पूरी घटना वहां पर, ये यज्ञ वहां हो रहा था। तो उस समय यस, तो प्रियंका माता जी गई हैं अगर कनखल में, आप लोगों को पता चलेगा, शिव जी ने बोला मत जाओ। जैसे ही वो वहां जाती है, वो देखती है कि मेरे पति का इस प्रकार से भरपूर भर भर के अपमान किया जा रहा है, भर भर के अपमान किया जा रहा है, मेरे पति को कुछ भी आहुति नहीं मिल रही है, ही इज कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड, वो मेरे पिता मुझे देख ही नहीं रहे। तो नेग्लेक्ट इज समटाइम्स मोर पावरफुल देन इंसल्ट ऑल्सो, उनके पिताजी उनको देख भी नहीं रहे थे, वो सबसे बड़ा इंसल्ट था। अरे बात नहीं करते या कुछ खरी खोटी सुना देते तब भी अलग बात थी, बात भी नहीं कर रहे, अनसुनी कर रहे हैं। शी फेल्ट सो बैड, उन्होंने सोचा कि मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी, क्योंकि मैं इस अपमान का बदला मैं कैसे दूं अपने पिताजी को, मैं किसी कोई अगर अपमान करता है उसका गला काट देना चाहिए, वैष्णव अपराध कोई करता है उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए, लेकिन मैं ये सब अपने पिता के साथ तो नहीं कर सकती, तो बेटर यही है कि मैं अपना जीवन ही वेस्ट मतलब मैं गंवा देती हूँ। तो उस समय उन्होंने अपने शरीर से अग्नि तत्व को प्रज्वलित किया, अपूर्ण रूपेण उन्होंने अपने आत्मसात कर दिया उसमें। तो ये बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाता है। इसके बाद बहुत बड़ी और भी ट्रेजेडीज होती हैं, फिर बाद में दक्ष प्रजापति का गला काट के एक वीरभद्र नाम का असुर आता है, वो गला काट देता है दक्ष प्रजापति का और बकरे का गला लगा देता है, इतना तहस नहस होता है उसके बाद, बहुत बड़ी मतलब नंदी बैल और शिवजी के जितने भी भूत प्रेत पिशाच लोग थे सब लोग जाके तहस नहस कर देते हैं वहां जाकर, क्योंकि पार्वती सती के साथ इस तरह से बर्ताव होता है। यही सती बाद में आके हिमालय की पुत्री बन के आती है और देन शी बिकम्स ड्यूली मैरिड, ड्यूली हैप्पीली मैरिड विद लॉर्ड शिवा। तो शिवजी के कल या परसों वैष्णव हिसाब से तो परसों शिवरात्रि है और बाहर लोग शायद कल ही शिवरात्रि मना रहे हैं। बहुत अच्छी तिथि है एंड वी शुड गिव आवर लविंग ऑफरिंग टू लॉर्ड शिवा, इन द सेंस कि हमें ये मांगना है शिव जी से कि हमें भक्ति में आगे बढ़ाइए, ए शिव जी आप भगवान कृष्ण के नाम में हमेशा बैठे रहते हो, प्लीज हमें भक्ति में आगे बढ़ाइए, ठीक है, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। तो ये कहानी हमने क्यों बताई कि इसमें देखिए ये भी कौन है धर्म, ये धर्मों को जानने वाले हैं ब्रह्मा जी के शिष्य, लेकिन इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, शिव जी के ना उठने को उन्होंने क्या समझा, विकर्म समझा, कि इन्होंने ना ये उठे नहीं, इन्होंने असम्मान किया अपने ससुर का, लेकिन ये विकर्म नहीं था, ये शिव जी का अकर्म था, वो भगवान कृष्ण पे ध्यान कर रहे थे, इनको कोई आवश्यकता नहीं है कुछ कार्य करने की। और ये प्रजापति देवर, ये दक्ष प्रजापति ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, आई एम डूइंग गुड एक्टिविटी, आई एम डूइंग अकर्म, बट ही इज डूइंग विकर्म। उन्होंने ऐसे भगवान के भक्त का इस प्रकार से अपमान किया, सबसे बड़ा विकर्म, तो उसी समय उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इन्होंने इंट्रोडक्शन सेट किया 16, 17, 18 नंबर श्लोक में कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है अर्जुन, डोंट थिंक, अच्छे अच्छे खिलाड़ी लोग फेल हो जाते हैं। तो आगे चल के हम समझेंगे कि कर्म अकर्म विकर्म होता क्या है, हाउ डज इट मैटर। तो इसके लिए आगे के सेशन जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि अभी चलने वाला है, कुछ लंबा सेशन चलने वाला है, ये तीन चार सेशन चलेगा कर्म के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ चीजें हैं, अगर आपको कुछ शेयर करनी है, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, और एल्स वी विल बी क्लोजिंग फॉर टुडे। कोई अगर शंका है, शंका संदेह है, एनी डाउट्स क्लैरिफिकेशंस, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। वन मैसेज इज देयर, अरे बाप रे इतना बड़ा प्रॉपर लिखा है ऋचा ने, ओके, एज अ लाइन 424 का लाइन है, पेज नंबर 220, दैट द मटेरियली अब्सॉर्ब्ड कंडीशन्ड सोल कैन बी क्योर्ड बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज द यज्ञ और एक्टिविटीज सिंपली मेंट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ विष्णु और कृष्णा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड लाइन हियर, दैट दिस इज नोन एज यज्ञ और सेटिस्फेक्शन फॉर कृष्णा। देखिए यज्ञ अभी इसी सेक्शन में आने वाला है, 24 नंबर श्लोक के बाद। यज्ञ को हमेशा ये मत सोचिए कि यज्ञ मतलब किसी चीज में आहुति डालना, वही यज्ञ है। यज्ञ मतलब हमारे कर्म भी यज्ञ हो सकते हैं, कुछ चीज हम जिसमें अपने कुछ हम जब भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं, देयर ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई विष्णु, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, 24 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक में भगवान 11-12 तरह के श्लोक यज्ञ बताने वाले हैं कि अर्जुन डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि तुम इस तरह से यज्ञ करो, तुम्हारा जो ये युद्ध लड़ना है ये भी यज्ञ है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो यज्ञ है। तो इस जगह पे यज्ञ मतलब सेटिस्फेक्शन, एक्चुअली यज्ञ मतलब क्या, यज्ञ का मतलब ही यही है विष्णु,
विष्णु की संतुष्टि। लेकिन हम जब कार्य करते हैं वो कार्य भी यज्ञ हो सकता है, दिस ऑल्सो मीन्स। तो कभी भी वही हमने बताया, संस्कृत के शब्द ऐसे होते हैं कि सिर्फ यज्ञ का मतलब लिटरल मीनिंग यही है, ये नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यज्ञ मतलब कृष्ण की संतुष्टि करना, वो हम एक्टिविटीज के द्वारा भी कर सकते हैं, हमेशा नहीं। इवन जो जप कर रहे हैं, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये भी यज्ञ है। हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये भी एक तरह से यज्ञ है। तो डोंट रेस्ट्रिक्ट दिस थिंग दैट जस्ट ये यज्ञ है। तो भगवान कृष्ण, वी प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर स्पिरिचुअलिटी, इनर जॉय एंड पीस लिबरेशन, देन व्हाई डज इट से फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण। देखिए एक्चुअली हमें अपना कार्य किसके लिए करना है, पहला मोटिव ये मत रखिए कि मैं अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करूंगी। एक्चुअली इनर सेटिस्फेक्शन इज अ बाई प्रोडक्ट, मेन मोटिवेशन शुड बी देयर दैट आई वांट टू सर्व लॉर्ड। हर कार्य में भगवान की संतुष्टि करना, संतुष्टि ये हमारा प्राइमरी मोटिवेशन होना चाहिए। साइड इफेक्ट में हमें सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है, साइड इफेक्ट में हमें हैप्पीनेस मिलती है, साइड इफेक्ट में जॉय भी मिल जाता है। अगर जॉय को आप प्राइमरी गोल रखेंगे, दैट मींस वी आर स्टिल ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, वी आर थिंकिंग दैट आई विल डू वर्क फॉर माई सेल्फ, मुझे भोग में क्या मिलेगा। तो वो जब भी हम अपने भोग की चिंता करेंगे वो कभी भी यज्ञ नहीं होगा, वो तो अपने भोग, वो तो कर्म ही हो गया, कर्म का फल भी मिलेगा आपको। अकर्म कब होता है, जब कृष्ण की भोग की चिंता करते हैं, जैसे हम भोग लगाते हैं भगवान को, वो भी एक तरह से अकर्म है। सारा कर्म तो भगवान ले रहे हैं, हमको कर्मा फ्री डाइट देते हैं। उसी तरह से हम कार्य भी कर रहे हैं, कार्य का कुछ हमें ये चेतना से करनी चाहिए कि आई वांट टू प्लीज लॉर्ड विद माय एक्टिविटी, विद एवरी एक्टिविटी, भले ही वो मेरा जॉब हो, मेरे को किसी को इंजेक्शन देना है, सलाइन चढ़ाना है, कुछ भी करना है, आई एम डूइंग फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। इसके द्वारा मैं अपना जीवन भगवान के को समर्पित करना चाहता हूँ। दिस इज वॉट इज एक्चुअल, होपफुली अगर क्लियर हुआ है तो ठीक है माता जी, अदरवाइज वन टू वन यू कैन आस्क माता, ठीक है। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, मे नॉट बी, मतलब कम समय में जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ मैं क्लियर करने की। तो थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। So one announcement is also there. Next Sunday, hopefully Anand Gaur Sundar Prabhu, आप लोगों को याद अगर है, December में प्रभु जी ने एक क्लास लिया था from New Town Temple, इसकॉन राजारहाट। तो he might be taking class. तो मेरा request है, please wholeheartedly participate. ठीक है, आप लोगों का yes, Siddhi, you are able to remember. तो वो mostly हमारा session वो लेंगे, उसके बाद मैं जब भी मेरे को समय मिलेगा इसी चीज को हम conclude करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, thank you so much. Thank you.